नमस्कार साथियों, मैं हूं अन्ना मिश्रा। आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है आपका जनरल स्टडी के लगभग लगभग 50,000 की मैंने एक सीरीज बनाई है, जिसमें मैं आपको देने वाला हूं एमसीक्यू, जिसमें मैं हिस्ट्री में शुरू कर चुका हूं, जिसमें मैं एक पार्ट आपको दे चुका हूं, जिस पे मैंने लगभग 100 प्रश्न आपके मैं आपको दे चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको भी वीडियो वो जो है पसंद आया होगा। इसी के तहत मैं आपका दूसरा जो है वीडियो आपको देने जा रहा हूं, जो कि आपका होने वाला है 50,000 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। इसमें से 30,000 तो ऐसे होंगे जो कि आपके 90% चांस है कि किसी भी एग्जाम में आपके उसमें से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। 20,000 ऐसे होंगे जिसमें से आपके प्रश्न जो है रिपीटेड आते हैं, यानी रिपीट होते रहते हैं। तो इसी को आपका जो है आधार बनाते हुए मैंने ये पूरी सीरीज शुरू की। आप सीरीज कहीं पर भी किसी भी तरह का देख रहे हो एमसीक्यू वाला, मुझे उम्मीद है कि आपने इस तरह का नहीं देखा होगा। मैं आपका कोशिश करूंगा कि आपका पूरा टॉपिक भी यहाँ क्लियर हो जाए, आपका मैप हो चाहे फिर 3D कुछ भी XYZ हो, आपको हर एक चीज़ वो साथ में दूंगा जो आपको आवश्यकता है। मैं इमेज का विशेष ध्यान रखता हूँ लगाने का, ताकि आपका कोई भी जो है आपका तथ्य छूटे ना, यानी कि जिसको अंग्रेजों की भाषा में क्या बोलते हैं, आपका जो है कोई भी मतलब फैक्ट जो है छूटे ना, समझ पा रहे ना। तो ये जर्नल स्टडी का जो है कंप्लीट पैकेज में लेके आया हूँ। वीडियो नंबर 2 है, एक वीडियो दे चुका हूँ आपका, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले मैं हल्की सी आपको जानकारी दे दूँ कि मैंने आपके लिए जो 50,000 जो प्रश्न है वो किससे होने वाले हैं। आपका हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, साइंस हो जाएगा, इकोनॉमी हो जाएगा, आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा, साइंस एंड टेक हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, ऑल स्टेट GK हो जाएगा, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी हो जाएगा। ये किस किस में काम आने वाले, UPSC हो जाता है, स्टेट PCS हो जाता है, SSC है, बैंकिंग है, रेलवे है, डिफेंस है एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आपका इंडियन हिस्ट्री हो जाता है, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, स्कीम्स जो है सरकार के द्वारा बनाई गई होती हैं जो मतलब योजनाएँ हैं, एक्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हैं, संवैधानिक संशोधन होते हैं उनके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं उसके बारे में, समिट्स जो है आपकी जो है समितियां होती हैं, कमेटीज ठीक है, एंड इंडिया एंड वर्ल्ड इकोनॉमी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर IT जिसको मैं काफ़ी चीज़ें मैं आपकी कंप्लीट करवा चुका हूँ, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। तो ये जो है टॉपिक मैंने लगभग इसमें 50,000 प्रश्न जो है चुन लिए हैं। मैं रोज़ कोशिश करूँगा कि 2 से 3 घंटे का आपको देने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका जो है मैंने ये जो 50,000 प्रश्न जो है वो लगभग 500 से 700 घंटे का पूरा पैकेज होगा, जो आपको हर एग्जाम में काम करने वाला है। ठीक है, हर एग्जाम में काम करेगा। आपको बुक की पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आप ऐसे मान लीजिए कि आप जो है अब ये सबके लिए तो नहीं होगा, मतलब आपका कोर्स से संबंधित होगा, तो आप ऐसे मान लीजिए जैसे आप UPSC का कर रहे हैं, तो आपका 300 घंटे का मुझे उम्मीद है कि आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उतने में। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग जो आगे बढ़ते हैं, ये जो वीडियो है उसको मैं जारी रख रहा हूँ। इसमें है भारत का इतिहास से संबंधित प्रश्न, तो जिसमें भारत के इतिहास से संबंधित चल रहा है वो है आपका प्राचीन भारत का इतिहास, इससे संबंधित आपके प्रश्न हैं, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपका प्राक ऐतिहासिक काल के मैं 100 प्रश्न आपको दे चुका हूँ, पीछे आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे जो है कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं, या फिर जो है डिस्क्रिप्शन में आपका इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और हो सके तो मैं कोशिश करूंगा कि इधर आई बटन होता है, पता नहीं किधर होता है, इधर होता है या इधर होता है, आप देख लेना, आई बटन का एक ऑप्शन आएगा वहाँ पर जो है, मुझे उम्मीद है कि इस तरफ आई बटन होगा, तो आप वहां से देख सकते हैं, आपको वहां पर मिल जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल से जुड़े हुए प्रश्न। आपको एक चीज मैं बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद जब आप कभी किसी भी एग्जाम में बैठिए या फिर कहीं पर भी जो है अनशॉट लगाने बैठिए, आप जो है मतलब क्रांति लिख देंगे। मुझे उम्मीद है जिस तरह से बनाया, सोचा तो है मैं आपके साथ टाइम पास करूं जैसे सारे चैनल वाले करते हैं, सारे यूट्यूब वाले लोग करते हैं, वो आपका ले आते हैं ऐसे ही करके और भौंका भौंक लगे रहते हैं। तो भौंकने वाला काम इधर नहीं है, मैंने कोशिश की है कि इतना हर एक फैक्ट से जुड़ा हुआ आपका इमेज लगाने की, कोई अगर पॉइंट जुड़ रहा है तो उससे जुड़ी हुई बातों का, हर एक चीज का मैंने यहाँ पर ध्यान रखा है। ठीक है, क्योंकि 50,000 प्रश्न है तो 50,000 प्रश्नों की कहानी बताऊं मैं आपको। 50,000 जो प्रश्न थे
मैंने ये आइडिया लगाया था कि आपके जो 50,000 जो टोटल प्रश्न है वो आपके जो निबट जाते, यानी कि मान लीजिए आप 50,000 हैं, 50,000 ठीक, 50,000 डिवाइड बाई 60 आपका जो है लगभग लगभग हम मानते कि उसका जो है कितना भी हम करते, मतलब कितना भी करते तो आपका 100 घंटे में मैं निपटाने की कोशिश करता। लेकिन मैंने यहाँ पर जो है आपको बहुत दमदार मटेरियल दिया है, इसका आप बहुत कद्र भी करें, आप इसका शेयर करना और लोगों तक पहुँचाना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद इतना आएगा कि आपने जितने भी वीडियो देखे हों आप उनको भूल जाएंगे, आपको इससे आपके जुड़े हुए हर एक प्रश्न जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो प्रागैतिहासिक काल का आप देख लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक जो बढ़ने वाले हैं वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। ठीक है, किससे संबंधित? तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए मैं आपके यहाँ पर प्रश्न जो है कराने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन फिर भी आपका ये वीडियो जो है आपको पसंद आने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों की भाषा में जो है सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम अंग्रेजों की भाषा में क्या कहते हैं? हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें आपके प्रश्न जुड़े होंगे। मैं आपको बता दूं कि आपको फिर इस वीडियो को देखने में उपबुक की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं कोशिश करूंगा कि कोई टॉपिक या फिर तथ्य आ रहा है तो उससे जुड़ा हुआ जो भी है, जो भी तथ्य वगैरह है, मैं साथ साथ उसको एक्सप्लेन कर दूं। समझ पा रहे हैं ना? तो चलिए फिर बिना किसी देरी के मैं आपको हल्का सा एक छोटा सा परिचय दे देता हूं, ताकि आपके जो प्रश्न होंगे वो आपका आंसर भी आप यहां पर दे सकें। तो मैं आपको सबसे पहले आपको बताऊं, इतिहास की अगर बात करूं तो इतिहास को मोटा मोटी जो है 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला हो जाता है प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड, या कह सकते हैं प्री हिस्ट्री। जिसके मैं कहूं तो प्रागैतिहासिक काल की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको पीछे दे चुका हूं वो प्रागैतिहासिक काल में क्या आ जाता है। प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है, केवल हमको पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, उसमें लिखित साक्ष्य कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि मनुष्य जो था, आदि मानव था, पत्थरों से खेलता था, पत्थरों से खाता था, पत्थरों से धोता था, पत्थरों से पहुंचता था, हर काम पत्थरों से होता था। इसलिए जो प्रागैतिहासिक काल है उसको पाषाण काल कह देते हैं, स्टोन एज कह देते हैं। तो स्टोन एज की बात करें तो पूरी तरह से पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो स्टोन एज में मैं अगर बात करूँ तो स्टोन एज जिसको पाषाण काल कहते हैं, पूरा पाषाण जिसमें आ जाता है, उससे जुड़े हुए मैं लगभग 100 प्रश्न आपके दे चुका हूँ। उन 100 प्रश्न से आपके कम से कम 1,000 प्रश्न जो है हल हो जाएंगे। मैंने इतना एक्सप्लेनेशन उसमें किया है, यानी कि व्याख्या उसमें की है। तो पुरापाषाण काल की अगर बात करें, इसके अगर बात करें तो निम्न पुरापाषाण हो जाता है, मध्य पुरापाषाण हो जाता है, उच्च पुरापाषाण हो जाता है। निम्न पुरापाषाण में आपका फलक संस्कृति आ जाती है, सोन घाटी, सुवन घाटी, बेलन घाटी, मिर्जापुर। शल्क संस्कृति में बात करें तो सोन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी, पुंगभद्र घाटी। ठीक है, पुंगभद्र। ठीक है, इसके बाद जो है शल्क फलक संस्कृति की बात करें को तो आपका बेलन घाटी, छोटानागपुर पठार, मध्य भारत, उत्तर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इनसे जुड़े हुए मैंने आपको सारे प्रश्न करवा दिए हैं, पीछे आप डिटेल में जाके चेक कर लेना और मुझे उम्मीद है आपको पता चल जाएगा कि मैंने सच में दमदार चीज़ दी है। तो मैंने एक आपका जो है पार्ट जो करा दिया प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल मैंने करा दिया। अब बात आ जाती है दूसरे काल में, आद्य ऐतिहासिक काल। अब एक बात समझना, आप प्रेग ऐतिहासिक काल की तरफ जाएं तो प्रेग ऐतिहासिक काल ऐसा काल था जहां पर मनुष्य क्या था, लिखना पढ़ना नहीं जानता था, केवल जो था वो अपने जो खुदाई से जो कुछ भी मिल गया, उसकी अस्थियां मिल गई, उसकी हड्डियां मिल गई, उनके बर्तन मिल गए, उनके औजार मिल गए, उनका कुछ भी मिल गया, उससे हमें पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता था। प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक तो लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, किसमें? प्रागैतिहासिक काल में। तो इसको मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया था, समझ पा रहे हैं? दूसरा काल की बात करें जो आ जाता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल में आपका जो देखने को मिलता है वो मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको मैं आगे आपसे बात करने वाला हूँ। आद्य ऐतिहासिक काल की अगर बात की जाए तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था, मनुष्य जो था लिखना भी जानता था और उस समय का मनुष्य पढ़ना भी जानता था, लेकिन उन्होंने जो लिखा है उसको हम मानव नहीं पढ़ पाए, जो हम लेटेस्ट जो हमारा मॉडल है वो नहीं पढ़ा पाए। तो आपको बताते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था कि मनुष्य जो लिखना पढ़ना भी जानता था और पुरातात्विक खुदाई से भी माल मिलता है उससे भी हम पता करते हैं, लेकिन जो आद्य ऐतिहासिक काल का जो मानव था वहाँ का जो लिखित साक्ष्य मिलते हैं
उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उनको अभी तक क्या नहीं पढ़ जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका, यानी पुरातात्विक साथ जो प्रोटो हिस्टोरिक एज में क्या है, मनुष्य को पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर रहना पड़ता है, वहाँ पर लिखित साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि मनुष्य लिखना पढ़ना जानता था उस समय का, लेकिन उसने क्या लिखा वो हमें समझ नहीं आया, इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल इसको कहा जाता है। और आद्य ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल में जो है आपका मुख्य रूप से आ जाता है, कौन सा आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता आ जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार जो है वैदिक काल को भी आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं मानते हैं, हमारी बहुत सी चीजें आपको जो है वैदिक काल की जो है पढ़ी लिखी जा सकी है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रेग ऐतिहासिक काल जो आता है आपका, प्रेग ऐतिहासिक काल में आपका पुरापाषाण काल आ जाता है, मध्य पाषाण काल आ जाता है, नवपाषाण काल आ जाता है। तो मैंने आपका इससे लगभग 100% आपके करवा दिए। आद्य ऐतिहासिक काल में अगर बात करें तो आपका आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें आपका सिंधु घाटी सभ्यता आ जाती है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का समय काल होता है, और इस संस्कृति को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो क्लियर आपको हो गया होगा कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या होता है, पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, लिखित साक्ष्य बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन इन लिखित साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो हमारा जो आगे जो चलने वाला है वो चलने वाला है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें हम बात करने वाले हैं, और आगे की बात करें तो ये भी आपको मैं बता ही चुका हूँ कि प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक, तो हमें यहाँ पर बात करने वाले हैं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। प्रश्न आपके लगभग मैं 150 से 200 यहाँ पे कराने वाला हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको आनंद आ जाएगा। तो चलिए फिर उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने से पहले मैं हल्का सा आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो कि आपका आद्य ऐतिहासिक काल शुरू कर रहा हूँ मैं, इसमें इससे जुड़े हुए आपके MCQs यहाँ पर मिलेंगे। थोड़ा सा मैं फैक्ट वगैरह बता दूंगा ताकि आप जो है क्वेश्चन का आंसर दूं, तो आप क्वेश्चन जब मैं बोलूं तो आप आंसर उसका आसानी से दे सकें। तो चलिए फिर आद्य ऐतिहासिक काल में हम सबसे पहला टॉपिक देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का सिर्फ 2-3 मिनट का देखेंगे, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पर आ जाएंगे, और उससे भी आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए फिर हम लोग जो है आगे बढ़ लेते हैं और थोड़ा शुरू कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता है, फिर हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता है हड़प्पा संस्कृति, इसको इसलिए हम थोड़ा सा देखेंगे ताकि जब हम क्वेश्चन बोलें, मान लीजिए मैंने कोई प्रश्न किया, तो आप झट से आप उत्तर दे सकें, एक बेस आपका बना के साथ चलूंगा, ताकि आपको केवल ये ना लगे कि हमें MCQs पढ़ रहे हैं, अरे यार इससे तो मजा नहीं आ, हमको बुक पढ़ना पड़ेगा। आपको ये देखने के बाद बुक भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं इस तरह से बना रहा हूं, केवल MCQs पेल रहा हूं, दे दनादन दे दनादन, अम्मा दैया की आवाज आएगी, मतलब इतनी तरह बुरी तरह से आपको लेनी है, मतलब क्लास लेनी है, समझ रहा ना। तो आप इस तरह से लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा संस्कृति। क्यों कहते हैं भैया, क्योंकि आपको पता होगा सबसे पहले हड़प्पा एक नगर था, उसकी खोज हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं, इसको कांस्ययुगीन संस्कृति भी कहा जाता है। भैया कांस्ययुगीन क्यों कहा जाता है, ऐसा था, आपको पता है कि एक अंकल थे कोपनहेगन में, आपके एक अंकल आते हैं, क्या नाम है, कोपनहेगन संग्रहालय में एक अंकल थे थॉमसन, उन्होंने भारतीय संस्कृति को जो है किसके आधार पर बांटने की कोशिश की, किसके आधार पर बांटने की कोशिश की, जो औजार थे ना, जो औजार वगैरह थे, या कहें जो धातुएं थे, उसके इस्तेमाल के आधार पर, जैसे कि उन्होंने पाषाण का इस्तेमाल होता था ना, पाषाण यानी कि पत्थर का इस्तेमाल होता था, तो पाषाणकालीन संस्कृति कह दी, तांबे का युग था तो ताम्र युगीन संस्कृति कह दी, तांबा और पाषाण का एक साथ इस्तेमाल होता था, तांबा और पत्थर का, तो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति कह दी, उसके बाद जो है कांस्य का इस्तेमाल होता था तो कांस्य युगीन संस्कृति कह दी, लोहे का इस्तेमाल होता था तो लोह युगीन संस्कृति कह दी, ये समझ पा रहे ना। तो ये चीज थी इसके आधार पे, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य संस्कृति क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया सिंधु घाटी सभ्यता का जो कुछ भी मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो कुछ भी मिला है लिखित साक्ष्य, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इससे जुड़े हुए प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं। भाई बहुत बुरी तरह कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं बच्चे यार, बड़ा दिमाग खराब हो जाता है, क्या करें। चलिए तो थोड़ा सा देखते हैं कांस्ययुगीन आद्य ऐतिहासिक काल की हड़प्पा सभ्यता जो है विश्व की बहुत पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जैसे कि टिग्रिस तथा यूफ्रेट्स के तट पर जो है मेसोपोटामिया की संस्कृति, और मेसोपोटामिया के बारे में अक्सर जो है आपको प्रश्न से जुड़े हुए मतलब इससे जुड़े हुए अक्सर प्रश्न जो है आपके मिलेंगे कि जो है मेसोपोटामिया जो है उससे जुड़ी हुई संस्कृति है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेसोपोटामिया की संस्कृति के समकालीन संस्कृति
सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसको किन कारणों से मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन माना जाता है, तो उस कौन से तथ्य मिलते हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं। तो कांस्ययुगीन या कहें आद्य ऐतिहासिक काल की हड़प्पा सभ्यता जो है विश्व की बहुत पुरानी सभ्यताओं में से है, जैसे कि टिग्रिस तथा यूफ्रेट्स नदी के तट पर जो है मेसोपोटामिया की नदी संस्कृति। नील नदी कहाँ गया आपका, नील नदी जो है नील नदी ये है नील नदी मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी, हाँ ये आपका, ये है आपका कुबेत, कैस्पियन सागर। तो यहाँ पर जो है नील नदी के तट पर जो है मिस्र की सभ्यता तथा हुआंगो नदी के जो चीन में आपको मिल जाता है, जो हुआंगो नदी है पीत रिवर है उसके तट पर जो है चीन की सभ्यता आपको देखने को मिल जाती है। इसी तरह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु नदी के तट पर आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाती है, बहुत पुरानी सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता भैया कितनी पुरानी है इसकी अगर बात करें तो रेडियो कार्बन के आधार पर इसका समय काल 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के समय काल का माना गया है। 2300 समझिए ना बात को, 2350 से लेकर, इसलिए हमें अक्सर जो है किताबों में या बुक्स वगैरह में देखने को मिल जाता है कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक के समय काल का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन डेटिंग के आधार पर कितने कौन सा समय काल है, तो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक के समय काल को माना जाता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का। तो चलिए फिर आपका क्वेश्चन देखते हैं। 82 यानी कि मैंने 80% 81 प्रश्न तक मैंने आपके करवा दिए थे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि उन प्रश्नों को देखकर आपको आनंद आया होगा, लाभ मिला होगा। तो उसी को ही हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और उसी सीरीज के तहत हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का पहला देखते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक यानी पापा, फादर या अब्बा किसको कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है भैया, जॉन मार्सन को कहा जाता है भैया, या फिर मार्टिमर व्हीलर या फिर जेम्स प्रिंसेप को कहा जाता है। तो भैया आपका उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंगम। तो सर अलेक्जेंडर कनिंगम फादर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के ये अब्बा हैं, किसके आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातत्व के पापा हैं, कौन आपके, अलेक्जेंडर कनिंगम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर हो जाएगा आपका ए अलेक्जेंडर कनिंगम। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या फिर करते हैं, उनके विशाल महल और मंदिर थे। तो आपको कहीं पर भी सिंधु घाटी सभ्यता का कहीं पर भी मंदिर का जो है अवशेष देखने को नहीं मिला है। तो हमारा नंबर एक तो पहले से ही जूता मार के हम क्या करते हैं, गलत कर देंगे, चल हट दूर, कोई बात नहीं, हमने इसको कर दिया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी और देवताओं और दोनों की पूजा करते, तो भैया बिल्कुल करते थे, बिल्कुल, चलिए तो सही करते हैं। ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, तो भैया आपको लगता है कि ये घोड़ों द्वारा रथों का प्रयोग करते थे, तो भैया कहीं पर भी जो है घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का साक्ष्य नहीं मिलता है। हाँ एक दो बार हड्डी बड्डी मिल गई है घोड़े फोड़े की, लेकिन घोड़ों के रथों का साक्ष्य खासकर नहीं मिलता है युद्धों के लिए। तो आपका ये आपका दो गलत हो जाएगा, तीन गलत हो जाएगा। तो आपका देखिए किसमें सही है, दो इसमें सही है, दो इसमें एक आ रहा, तो ये अपने आप गलत हो जाएगा, इसमें भी तो ये अपने आप, तो आपका दो हो जाएगा। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसको, तो इसके विशाल मंदिर और मंदिर थे, तो नहीं गलत, ये देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, बिल्कुल सही। ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, बिल्कुल नहीं करते थे। तो ये देवताओं की भी पूजा करते थे, देवियों की भी पूजा करते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। आपको पता ही है ये पता नहीं क्या है, इनका सींग है या फिर ये जो है अब पता नहीं चल रहा है क्या है, ये सींग है, ऊपर वैसे सींग ही होता है, वैसे नीचे तो सींग होने का कोई मतलब नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए तो ये आपका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, उसको देखने से पहले आगे इससे जुड़े हुए प्रश्न आएंगे तो मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव तथा भौगोलिक विस्तार, आइए देख लेते हैं प्यार से थोड़ा सा। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव तथा भौगोलिक विस्तार की बात करें, इससे सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं आपके सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव यानी कि इसका शुरुआत और इसके भौगोलिक विस्तार यानी कि कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हैं जैसे कि रहमान धेरी आपका यह राणा है, आपका जो है सराई खोला, हड़प्पा, जलीलपुर, कोट डीजी, ठीक है,
ये है आपकी गाजी साहा, आपका जो है बालाकोट, आपका जो है धौलावीरा, ये है आपका सुरकोटदा, इस तरह से आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले हड़प्पा की खोज जो है दयाराम सायनी ने की थी, ठीक है, इसलिए सिंधु घाटी को सभ्यता को हम हड़प्पा कालीन संस्कृति भी कह देते हैं। अलेक्जेंडर कनिंगम को आपका फादर ऑफ पुरातत्व या अब्बा ऑफ पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व का अब्बा अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है। कांस्ययुगीन, कांस्य का प्रथम प्रयोग यहाँ देखने के कारण इसको कांस्ययुगीन संस्कृति भी कहते हैं। प्रथम नगरीय क्रांति, पहली बार नगरों का उदय भाई आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। मैं 200 से 300 प्रश्न कर दूंगा इसमें, करवा दूंगा, आप आग लगा दोगे एग्जाम पे। यदि सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न आ गया तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप जो है क्रांति लिख दोगे एकदम सुनहरे क्षण से। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहली नगरी क्रांति की अवस्था को बताता है। इससे प्रश्न बनता ही बनता है, आपका आएगा ही आएगा, आगे जाके मैं करवाऊंगा। सबसे पहले 1856 में, 1826 में हड़प्पा नाम की जगह एक बहुत पुरानी सभ्यता के दबे होने की बात कही थी। इसके बाद भारतीय पुरातत्व के पिता कहे जाने वाले अलेक्जेंडर कनिंगम ने यहाँ का मुआयना कराया, लेकिन इस जगह की अहमियत को न समझ पाए। यानी कि अलेक्जेंडर को पापा तो कह दिया, मतलब वही बात है, पापा ने, अरे कहीं हमारा दूध तो नहीं रखा है अलेक्जेंडर। गड़बड़ हो जाएगा दूध हमारा। हाँ, तो अलेक्जेंडर कनिंगम ने क्या किया था, हड़प्पा नामक ये कहा था, यहाँ पर जो है टीले वगैरह गड़े हुए हैं, या फिर जो है यहाँ कोई शहर गड़ा हुआ है या दबा हुआ है, इन्होंने बात कही थी, लेकिन उसकी खुदाई आकर उसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। इसके बाद 1921 में क्या है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे, जॉन मार्शल, इनके नेतृत्व में हड़प्पा के बारे में जानकारी मिलती है। हड़प्पा की सबसे पहले खोज शुरू हुई, इसके कारण इनका इस जगह का नाम यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर हैं उनमें से सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज हुई थी, इसी कारण इसका नाम हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा आपको सिंधु यानी कि कहें इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला क्षेत्र जो है देखने को मिल जाता है। सही है, अभी काफ़ी देर से रखा हुआ है, ठंडा हो गया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिल जाते हैं ये सारे, लेकिन इनमें सबसे पहले जो खोज हुई थी, जब खुदाई शुरू की थी, तो आपका सबसे पहले कौन पैदा हुआ था, आपका हड़प्पा पैदा हो गया था। इसलिए इस पूरी संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन आगे नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भैया विचार करेंगे हम, तो भैया थोड़ा सा आचार और विचार दोनों कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो है, हाँ, क्वेश्चन देखते हैं। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था या था, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। फिर से बता दूं, समझना बात को, समझना पूरी चीज को। यह मुख्यतः या प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। लौकिक का मतलब होता है इसी लोक से जुड़ी हुई, मतलब लौकिक। ठीक है, इसमें धार्मिक तत्व मौजूद थे, यद्यपि उपस्थित तो थे धार्मिक तत्व, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे। मान लीजिए ये क्या करते थे, मान लीजिए ये लौकिक मतलब इसी देश, ये जो लौकिक होता मतलब इसी लोक को मानने वाले, वो कहते थे धरती पे जो दिख रही है, मतलब जिन चीजों को देख पा रहे हैं उन्हीं से जुड़ा हुआ था। धार्मिक तत्व तो मौजूद है, मतलब ईश्वर को, प्रकृति की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, देवताओं की पूजा करते थे, सांड देवता की पूजा करते थे, पूजा करते थे, धार्मिक तत्व मौजूद थे, ईश्वर को मानते थे, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। ये नहीं था कि भैया ए भगवान हमको मारो, मतलब हम मरने के बाद हमको जो है स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी, या फिर स्वर्ग में जो है अप्सराएं आएंगी और लहराती हुई जो है हमको जाम पिलाएंगी, सोमरस पिलाएंगी। वर्चस्वशाली नहीं था, समझ पा रहे हो, साफ सुथरी बात थी, इसी लोक से जुड़ी हुई बातें करते थे, भगवान को मानते थे, देवियों को मानते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, माता क्योंकि हमको पैदा करती हैं, 9 महीने कोख में रखती हैं, अपने खून से अपने बच्चे को सींचती हैं, इसी तरह से प्रकृति जो होती हैं, इंद्र देवता जो है एक तरह से मान लीजिए मातृ देवी, मान लीजिए पशुपतिनाथ, मान लीजिए पशु के देवता थे वो, एक तरह से मान सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, तो साफ सुथरी बात है। तो निम्नलिखित कथनों पर हमने विचार किया, तो आपका विचार की अगर बात करें, तो विचार का जब हमने अचार बनाया, तो आपका ए जो है बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं,
उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक, ठीक है, तो भैया एक नहीं, भैया दोनों सही हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, उत्तर हो जाएगा सी, इस काल में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व मौजूद थे। आपको पता है देवी देवताओं की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, गेंडे की मूर्ति मिली, तमाम चीजों की, पशुपतनाथ की मूर्ति मिली है, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। धार्मिक तत्व मौजूद है लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। चलिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 85 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। बैल, ठीक है, हाथी, गेंडा, किस पशु या फिर किन पशुओं की आकृति या फिर आकृतियां जो है सिंधु घाटी की जो मोहरे हैं या जो मुद्राएं पाई गई हैं उनमें देखने को मिलता है? क्या केवल बैल? तो भैया आप दिमाग में गढ़ लीजिए, हाथी, घोड़ा, पालकी और जय कन्हैया लाल की। तो आपका हाथी, घोड़ा, पाल, तो इसमें हाथी, घोड़ा, पाल की अगर बात करें तो हम कहेंगे हाथी, गेंडा, बैल। तो जय कन्हैया लाल की बोलेंगे तो यहाँ पर जो है बैल की भी मिली है, तो भैया बिल्कुल सही है। हाथी की भी मिली है, भैया बिल्कुल सही है। गेंडा की भी मिली है, तो भैया बिल्कुल मिलती है। तो देखो, हाथी की भी मिल रही है, बैल की भी मिल रही है, और ये तो जो है गेंडा है तो गेंडा की भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, उत्तर हो जाएगा डी। एक्स्ट्रा ज्ञान लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, हड़प्पा से एक ये मिलता है, ये इस तरह से। किन पशुओं के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? भैया फिर से बता दो, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका उत्तर आपको भैया देना पड़ेगा। इसका मैंने जो है स्टार मार्क कर दिया है, शेर के नहीं हुए हैं, या फिर घोड़ा के नहीं हुए हैं, या फिर जो है गाय के नहीं हुए हैं, या फिर हाथी के नहीं हुए हैं। ये उत्तर आपको देना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। तो आप जो है शोध करके बताइए कि आपका जो है किसके नहीं मिले हैं। आगे आप समझ जाएंगे, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो आपका जो है मैंने स्टार मार्क कर दिया इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सैंधव या कर सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों का सबसे ज्यादा प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? गज, वृषभ, गेंडा या फिर एक श्रृंगी पशु? तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो है, जिसको यूनिकॉर्न के नाम से जाना जाता है, उसको हम कहते हैं एक श्रृंगी पशु, इसको यूनिकॉर्न के नाम से जाना जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि सैंधव मुद्राओं में जो सबसे ज्यादा प्रचलित था वो क्या था? आपका एक सरंगी, जिसको यूनिकॉर्न के नाम से जाना जाता है। ये इनका समझ में नहीं आता ये सींग है या फिर कुछ और है, इसके बारे में अगर कोई कुछ कहना चाहे तो बता देना, ये सींग है या कुछ और है। अब मेरे को तो वैसे सींग लगता है, वैसे सींग यहाँ होता नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं है। तो आपको क्या लगता है? ये डी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? क्या बाघ से परिचित नहीं थे या फिर अज से परिचित नहीं थे? अज मतलब बकरी, ठीक है, तो अज जो है बकरी, यानी कि क्या बाघ से परिचित थे या बकरी से परिचित नहीं थे, या फिर अश्व मतलब घोड़ा से परिचित नहीं थे, या शेर मतलब शेर से परिचित नहीं थे, या फिर हाथी से परिचित नहीं थे? तो आपका उत्तर क्या होगा? क्या लगता है आपको आपका उत्तर क्या होना चाहिए? आपका उत्तर हो जाएगा सिर्फ किससे परिचित नहीं थे। क्या लगता है इसमें आपका? इसमें क्या हो गया, मतलब बाघ से परिचित नहीं थे, या अज से यानी कि बकरी से परिचित नहीं थे, या घोड़े से परिचित नहीं थे, या शेर से परिचित नहीं थे, या फिर हाथी से? तो देखिए, मैंने आपको बताया था बाघ की भी मिलता है अवशेष, अज मतलब बकरी का भी अवशेष मिल जाता है, अश्व मतलब घोड़े के भी अवशेष मिले हैं, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, घोड़े के भी अवशेष मिले हैं, हाथी का भी मैंने जब बताया कि हाथी की तो मोहर भी मिली है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हाथी को तो टाला ही नहीं जा सकता। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा शेर। शेर के बारे में मैंने पूरी इतिहास में पढ़ा, लेकिन शेर के बारे में सही से मुझे कहीं पर भी जानकारी नहीं मिली कि शेर के बारे में कहीं चर्चा होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी कि शेर जो है शेर के बारे में कहीं नहीं मिलता है, तो आपका उत्तर हो रहा है बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है आपका
सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो मैं आपको बता चुका था पीछे, सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने बताया था कि जब सिंधु घाटी सभ्यता या कहें सिंधु जो प्रांत है या कहें इसका जब खुदाई शुरू हुई, या हम इसको कुछ और भी जोड़ सकते हैं, जब इसकी खुदाई शुरू हुई तो जब हम कह सकते हैं कि जब हमारी मतलब शादी शुरू हुई, तो शादी होने के बाद जो हड़प्पा नामक जो बच्चा पैदा हुआ, तो इसलिए हमने क्या नाम रख दिया, हमने पूरी संस्कृति का ही नाम क्या रख दिया, हड़प्पा सभ्यता रख दिया, फिर हड़प्पा संस्कृति रख दी। तो आप समझ गए होंगे पूरी बात को, तो आप इसमें से उत्तर निकाल भी सकते हैं। सबसे पहले खुदाई, या कहें आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं, खुदाई से हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। हड़प्पा सभ्यता सर्व प्राचीन सभ्यता है, हड़प्पा सैंदव सभ्यता की मूल स्थली है, या फिर हड़प्पा सभ्यता से सैंदव कालीन विशेष जानकारी प्राप्त हुई है। तो आपका सबसे पहला हो जाता है कि जब खुदाई शुरू हुई थी तो हमारा सबसे पहले क्या था, हड़प्पा नामक नगर ही निकला था, इसलिए हमने क्या किया, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है भैया। तो इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए आपका उत्तर होगा ए। क्या होगा, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता का व्यापार कहाँ से होता था, ईरान से, अफगानिस्तान से, रोम से, राजस्थान से। तो भैया सिंधु घाटी का सभ्यता का व्यापार कहाँ से होता था, तो आपका देखो साक्ष्य मिलते हैं ईरान से भी व्यापार होने के, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ईरान से भी व्यापार होने के यहाँ पर मिल जाते हैं साक्ष्य, अफगानिस्तान से भी मिल जाते हैं साक्ष्य, व्यापार होने के यहाँ पर जो है जगह पड़ती है, अफगानिस्तान से भी आमू दरिया के पास जो है व्यापार होने के साक्ष्य मिलते हैं। आपका जो है राजस्थान से भी साक्ष्य मिलते हैं व्यापार के, लेकिन रोम से साक्ष्य नहीं मिलते हैं, इतनी मुझे काफ़ी हद तक जानकारी है, रोम से जानकारी नहीं मिलती है कि रोम से जो था व्यापार होता था कि नहीं। तो अब देखिए रोम किस में आ रहा है, रोम किस में आ रहा है, इसमें किसी में रोम आ रहा है, तो ये तो रोम वाला कट ही जाएगा। तो एक दो चार किस में आ रहा है, एक दो और चार, तो ईरान से मिलता है, अफगानिस्तान से और राजस्थान से, ठीक है। तो एक दो चार, एक दो चार जो है वो आपका उत्तर हो जाता है, आपका उत्तर होगा डी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये व्यापारिक स्थल है, इस तरह से यहाँ पर भी देख सकते हैं अफगानिस्तान, ये यहाँ पर पेशावर, ये इस तरह से, समझ पा रहे ना ये। चलिए तो हड़प्पा सभ्यता आपको बता दिया ना, सबसे पहले हड़प्पा की खोज जो है दयानंद साहनी ने की थी, जो खुदाई शुरू हुई थी मैंने बताया था, अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे उन्होंने बताया तो था कि यहाँ पर एक बड़ा नगर जो है दबा हुआ है, लेकिन इन्होंने कोई खास मतलब कोई खास रिस्पॉन्स नहीं किया, पापा इस बना तो दिया लेकिन उन्होंने कोई खास, अरे यार बड़ा दिक्कत हो रही है साला, बैठा नहीं आ रहा नीचे, घर के नीचे तकिया आ रहा है, परेशान हो रहा हूँ यार। चलिए कोई बात नहीं। हाँ तो मैंने क्या बताया, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, क्या मैंने बताया, सिंधु घाटी सभ्यता में जो अलेक्जेंडर कनिंगम है, जो कि अब्बा ऑफ भारतीय पुरातत्व, देखो अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी आती है तो इसलिए मैं बोल देता हूँ, अब्बा ऑफ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, या कहें पुरातत्व विभाग के क्या थे, मतलब पुरातत्व, या कहें पुरातत्व के, भारतीय पुरातत्व के पापा अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंगम ने कहा था कि भैया 1900 शायद 1800 के कुछ आसपास की बात है, उन्होंने कहा कि भैया इस जगह एक जो है बड़ा शहर है जिसको हड़प्पा के नाम से मतलब बताया कि यहाँ पे एक जगह होने की। फिर धीमे धीमे बड़ा समय बड़ा होने के बाद एक व्यक्ति जाए थे जॉन मार्शल, जॉन मार्शल से बातचीत हुई, जॉन मार्शल ने एक टीम बनाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में, तो दयाराम साहनी को उसका जो है प्रमुख बनाया, दयाराम साहनी वहां पर पहुंचे और एकदम जो है धका धक धका धक धका धक एकदम क्या कर दिया, खुदाई शुरू कर दी। खुदाई जब शुरू की 1921 में वहां पर एक नगर निकल आया हड़प्पा, इसलिए जब सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई इस कारण इस पूरी संस्कृति का नाम जो है हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन को आपको कांस्य युगीन संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि कांसे का सबसे पहले प्रयोग के बारे में जानकारी यहीं से मिलती है। सिंधु सभ्यता का व्यापार के बारे में आपको पता चल गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ एक चीज और मैं बता दूं आपको, प्रथम नगरी के पहली बार नगरों का उदय भी आपका हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। तो आपको समझ में आ गया सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप इससे दो दो चार चार क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें पाई गई थी, अन्नागार भैया मिला था, दो मंजिला भवन भैया मिला था, स्नानागार मिला था, तो इसको हम टिक लगा के मान के चलते हैं कि हाँ ये सही है। दो मंजिल इमारत, मंदिर, मंदिर भैया कहीं नहीं मिला, और खासकर विष्णु मंदिर तो बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। एक मंजिला मंदिर भवन, अन्नागार और जलाशय,
तो जलाशय के बारे में तो नहीं मिलता है कहीं पर भी, स्नानागार के बारे में जानकारी मिलती है, और दो मंजिला की बात हो रही है, इसको काट देंगे। चौड़ी सड़कें, स्नानागार, स्नान करते हुए पुरुष की मूर्ति, भैया ये तो बहुत ही गंदी बात कर रहे हैं ससुरे, मतलब नहाते हुए पुरुष की मूर्ति नहीं भैया, इसमें केवल मिला है हमको क्या मिला है, ये सही होगा। अन्नागार, जिसको हम अन्नागार कहते हैं, ग्रेनरी कह देते हैं इसको, ग्रेनरी कहते हैं अन्नागार, मतलब अन्न वाली, जहाँ अन्न वगैरह रखा जाता था। दो मंजिल मकान यानी दो मंजिला भवन भी मिले हैं देखने को, ठीक है, ये आपको देखने को, देखो मंजिल वन यानी कि फर्स्ट फ्लोर और ये सेकंड फ्लोर, ये छत पर जो है अपनी जीजी से बतिया रहे हैं, और ये जो है ये जीजा है और ये जी हैं, समझ रहे हैं, दो मंजिला मकान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। स्नानगार आपको पता ही है, द ग्रेट वाथ, इसके बारे में बहुत चर्चा होती है, तो द ग्रेट वाथ आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब। और इसकी एक चीज़ और इससे प्रश्न भी बनता है, उत्तर से एक चढ़ाई का जगह है और दक्षिण से, दक्षिण न तो पूर्व से है ना पश्चिम से, उत्तर और दक्षिण से दोनों तरफ से जो है चढ़ाई का मार्ग, इससे प्रश्न आपका बनता ही बनता है, पूछा गया है। चलिए तो देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, दो मंजिला इमारत वाला। चलिए हाँ, उत्तर भी बता दूं आपको, उत्तर जो है आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का तिथि क्रम सबसे पहले किससे निर्धारित किया गया था, सुमेरियन सभ्यता के अवशेषों के आधार पर, या मेसोपोटामिया के अवशेषों के साक्ष्य के कालक्रम के आधार पर, या मिस्र के अभिलेखों की तिथिक्रम के आधार पर, या फिर सैंधव सभ्यता के अवशेषों के आधार पर। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा इसका डी, किसके आधार पर किया गया है, मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष, यानी कि उसको रख के इसका जो है तिथिक्रम किया गया है, और फिर कार्बन डेटिंग के आधार पर जो निकला है 2350 से लेकर 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का समयकाल माना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, आंसर जो आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, क्वेश्चन 93 क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के मापक किस गुणन भार के हैं, 14 गुणन भार के, 10 गुणज भार के, 16 गुणज भार के, या फिर 8 के। तो आपका उत्तर बनता है आपका 16, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तेई 48, 16 चौक 64, अंग्रेजों की भाषा 16 बन जाए 16, 16 टू जाए 32, इस तरह से अंग्रेजों की भाषा वाला होता है ना ये। चलिए तो आपका हो जाएगा 16 गुणज भार के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 94 है प्रश्न नंबर 94, सैंधव सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा था, बाढ़, आर्यों का आक्रमण, विदेशी व्यापार में ह्रास, या फिर नदियों के प्रवाह में परिवर्तन। तो आपका सबसे प्रमुख जो कारण बताया जाता है, जो साक्ष्य देते हैं, उसमें आता है आर्यों का आक्रमण, सबसे प्रमुख आ जाता है, जो कि आपका उत्तर हो जाता है बी, आर्यों का आक्रमण बताते हैं सैंधव सभ्यता का अंत के लिए, ठीक है, इस तरह से बताते हैं कि यहाँ से आर्य आए थे और जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो है ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, जगह ले लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, और फिर वहाँ पर जो है आर्यों का कब्जा हो जाता है, और इसीलिए हमारे कुछ जो है कुछ गिद्ध टाइप के लोग जो है राजनीति इस पे करते हैं, मूल निवासी जिंदाबाद, ब्राह्मण विदेशी और मूल निवासी जिंदाबाद, अक्सर जो है कुछ कीड़े मकोड़े जिंदाबाद का इस तरह का नारा लगाते हुए देखते हैं। ये कुछ नहीं होते हैं, ये नाजायज औलाद होते हैं अंग्रेजों की, जो बांटो और राज करो की नीति के तहत कार्य करते हैं, जितना बांटेंगे उतना ही राज करने को मिलेगा भारत में, इसलिए वो देश को एक होता है वो नहीं देखना चाहते हैं, वो हिंदू में बांटना चाहते हैं, मुसलमान में बांटना चाहते हैं, दलित में बांटना चाहते हैं, निम्न वर्ग को करना चाहते हैं, उच्च वर्ग करना चाहते हैं, लिंगायत में बांटना चाहते हैं, पता नहीं कौन कौन से संप्रदाय में बांटना चाहते हैं, इनकी माँ का राम का कोई बात नहीं, गंदी बात। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपको मैंने बता दिया, इससे जुड़ा हुआ आपके प्रश्न बनेगा, पुरापाषाण काल के क्षेत्रों का वर्गीकरण मैंने आपको पीछे बता दिया था, इससे पहले मैं आपको डिटेल पढ़ा चुका हूँ उसके बारे में। इतिहास काल मैंने बताया तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल को मैंने यहाँ पर बता दिया था, प्राचीन, मध्य और आधुनिक आता है। प्रागैतिहासिक काल में आपको पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण बता दिया था। प्रागैतिहासिक काल कौन सा काल होता है, इसमें पुरातात्विक साक्ष्यों पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है, इसमें लिखित साक्ष्य बिल्कुल भी नहीं होते, नहीं हो क्योंकि मैंने सुबह लिखना पढ़ना बिल्कुल भी जानता नहीं था। पुरातात्विक साक्ष्य इसमें क्या होते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, इसमें लिखना पढ़ना जो मैंने जानता था, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, उसके बाद लिखना पढ़ना भी जानता था, लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन उस लिखित साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में यहाँ पर जानकारी चल रही है, इससे जुड़ा हुआ अगले वाला प्रश्न आने वाला है, मुझे उम्मीद है आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, कालीबंगा तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, हड़प्पा आप अंदाज़ लगा सकते हैं ये पाकिस्तान में पड़ता है, लोथल जो है कहाँ पर है, गुजरात में, आलमगीरपुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। आइए तो आप इसका उत्तर समझ गए होंगे, आपका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि आपका बी। देखते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हड़प्पा, ये है मोहनजोदड़ो, सिंध प्रांत में पड़ता है, ठीक है,
तो साहिवाल ये है आपका इंडस नदी किनारे, ठीक है, मतलब सिंधु नदी किनारे। तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हिसार यानी कि हरियाणा में, धौलावीरा भोजे यानी कि आप जो कच्छ वाले क्षेत्र में, लोथल जो है आपके अहमदाबाद वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो समझ गए होंगे, तो आपका हड़प्पा जो है पाकिस्तान में देखने को मिल जाता है। सिंधु घाटी संबंधित है किस संस्कृति से? प्रागैतिहासिक युग से। तो मैंने आपको बताया था प्रागैतिहासिक काल कौन सा है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसमें पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर रहना पड़ता है, मनुष्य को लिखना पढ़ना नहीं जानता था, पूरी तरह से यहाँ पर जो खुदाई से माल मिलता है उस पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है मनुष्य को। अब पूछते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, तो आद्य ऐतिहासिक काल ऐसे काल को कहते हैं जहाँ पर मनुष्य लिखना पढ़ना तो जानता था, लेकिन जो उसने लिखा है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, यानी कि पुरातात्विक स्रोत साक्ष्य मिलते हैं और लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, और लिखित साक्ष्य मिलने के साथ ही उन लिखित साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए हम उनको कह देते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्यों में लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन आपका उनको पढ़ा लिखा नहीं जा सका, इसलिए ऐसा काल जिसमें माल लिखित मिला है यानी कि लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका, उस तरह के काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में यही ये कहानी है कि सिंधु घाटी सभ्यता में साक्ष्य मिले हुए हैं लिखित साक्ष्य, लेकिन अभी तक उनको पढ़ा नहीं जा सका, तो इसलिए आप अंदाज लगा सकते हैं क्या आपको लगता है सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल है। तो बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं और लिखित साक्ष्य मिलते हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप जब इस वीडियो को देखकर उठेंगे तो मुझे यकीन है कि आप आज के बाद सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए प्रश्न कभी भी नहीं छोड़ेंगे, आप लपक के करेंगे, झपट के करेंगे, दौड़ के करेंगे, इतना भी ना दौड़ने की गिर जाए, सीमा बना के रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? मैं आपको बता चुका था ऐतिहासिक काल में, तो तीनों साक्ष्य हो जाते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, लिखित साक्ष्य, इसमें लिखित साक्ष्य पढ़ा जा सका है। प्राग ऐतिहासिक काल तो मैंने आपको बताया था, ऐसा साक्ष्य जहाँ पर मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था, लिखना पढ़ना नहीं जानता था, समझ पा रहे हैं? प्राग ऐतिहासिक काल को पुरापाषाण काल कह देते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल अपने आप समझ पा रहे होंगे, इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत कहाँ पर, और वहाँ मतलब मूल स्रोत वहाँ पाई गई हैं कहाँ पर भैया, मूल स्रोत कहाँ पर पाई गई हैं? तो मोहरे के रूप में, तो भैया मोहरे मिली हैं, मानते हैं पुरातात्विक स्रोत हैं, बर्तन जेवर हथियार या औजार। अब भैया एक चीज़ होते हैं ना, आपने रीजनिंग पढ़ी होगी, तो रीजनिंग, अब लिपि तो अपने आप जूता मार के हटाई, तो लिपि में तो कोई मतलब ही नहीं है कि हमने अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता का माल जो है अभी तक पढ़ा नहीं गया है, तो लिपि का तो कोई यकीन नहीं बनता है। बर्तनों से क्या जानकारी मिलती है? तो सबसे प्रमुख जो जानकारी मिलती है वो मिलती है भैया हमें नगरों के अवशेषों से, मोहरों से भी नहीं, बर्तनों से भी नहीं, जेवरों से भी नहीं, हथियारों से भी नहीं, औजारों से भी नहीं। अब हम कहेंगे कि नगरों के अवशेष से, तुम तो कहोगे भैया मोहरों से भी जानकारी मिल जाती है, बर्तनों से भी, जेवर से भी, हथियार से भी, औजार से भी। तो एक बात बताऊँ आपको, नगरों के अवशेषों की बात करता हूँ, तो नगरों में मोहरें भी मिली, बर्तन भी मिले, जेवर भी मिले, औजार भी मिले। औजार वो वाला औजार नहीं आप बता रहे हैं, वो नहीं औजार बता रहा हूँ, हथियार की बात कर रहा हूँ, मतलब उनके जो सिंधु घाटी सभ्यता में इस्तेमाल किया जाता था, तो वो वाले औजार बता रहा हूँ। तो आप समझ पा रहे हैं ना, मोहरें मिली कहाँ से? मिली नगरों के अवशेष से, नगर की खुदाई तो वहाँ तो मोहरें मिली। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, नगरों के अवशेष आपका सी, उत्तर आपका सी। आइए देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी कि झूठा है, यानी कि जो है फाल्स है? नगरों में नालियाँ की सुदृढ़ व्यवस्था थी। भैया आपको लगता है कि भैया थी? भैया बिल्कुल थी, बड़ी बड़ी नालियाँ थी, जब हम अंदर अंदर जो है हम कोई काम करते थे तो नालियाँ एकदम सड़कों पर खुलती थी, एकदम जो है सारा रारा करती हुई बहती थी। तो भैया ए बिल्कुल सही है, इसको बिना कहे मैं टिक लगाऊंगा, तो ये तो कहीं से भी गलत नहीं है। व्यापार और वाणिज्य का उन्नत दशा में था, भैया बिल्कुल था भैया, मेसोपोटामिया से हमारा व्यापार हमारा हो रहा है, मतलब अफगानिस्तान से हमारा व्यापार हो रहा है, राजस्थान में भी, आसपास के क्षेत्र में भी फैला है, आसपास के क्षेत्र में भारत में भी हो रहा है, और आसपास के जो ईरान है यहाँ से व्यापार हो रहा है। तो भैया बिल्कुल सही बात है, बेल के व्यापार हो रहा था, ठीक है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, भैया बिल्कुल की जाती थी, मूर्तियां भी मिली है मातृ देवी की, प्रणाम करते हैं देवी मैया की, जय।
समझ रहे हो ना। तो देवी मैया की मूर्ति मिली है, तो ये तीनों अपने आप सही हो रही हैं, ठीक है भैया। अब बात होती है क्या लोहे से परिचित थे तो भैया, ये भैया एक बात आ रही है बहुत खतरनाक वाली, ये लोहे से परिचित नहीं थे, साफ सुथरी बात है, नहीं परिचित थे, मना कर दो भैया, हम नहीं जानते लोहे को, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, तो डी जो है आपका गलत है। क्यों? ये कह रहा है कि लोहे से परिचित थे, तो भैया हम कह रहे हैं कि नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि भैया कोई अवशेष नहीं मिले सिंधु घाटी सभ्यता से लोहे के। अब मिला किस किस का है, देखिए टिन से मिला है, स्टेलाइट से मिला है, चर्ट मिला है, कॉपर मिला है, गोल्ड मिला है, लेड यानी कि सिल्वर, लेड सीसा वगैरह मिला है, लेपिज मिला है, आपका आपका जो है आपका सेल मिला है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी चीज़ें देखने को मिलती है, टिन मिला है, कॉपर मिला है, गोल्ड मिला है, लेड एंड सिल्वर मिला है, आपका स्टेलाइट मिला है, आपका चर्ट मिला है, तो ये सारी चीज़ों का जो है साक्ष्य मिल जाते हैं। लेकिन कहीं पर भी जो है आपका साक्ष्य नहीं मिलती है। आप गूगल पे सर्च करेंगे कि आयरन वाज नो आयरन वाज नॉट नोन टू द हड़प्पन पीपल सिंस द सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज, इट हैज द मेड मैनी मेटल गर्जिकल एडवांस्ड इन द कॉपर एंड ब्रॉन्ज बट नॉट इन आयरन, ठीक है। बलूचिस्तान एंड अफगानिस्तान आर विलीव्ड विलीव टू द मेन सोर्स ऑफ कॉपर एंड एक्सप्लोइटेड बाई द हड़प्पन, ठीक है, इन द रीजन वेस्ट ऑफ इंडस, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ना, किस किस से परिचित है? टिन से, कॉपर से, गोल्ड से एंड सिल्वर से, लेकिन लोहे के कहीं पर भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। चलिए थोड़ा सा सिंधु घाटी के बारे में देखते हैं, फिर धड़ाधड़ 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 एकदम टकाटक टकाटक एकदम हम क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो समझ पा रहे ना, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर वो 2500 ईसा पूर्व, इसको मोटा में से कहते हैं 2350 या 1500 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। इस सभ्यता का विस्तार जो है पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, जम्मू और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला था, क्योंकि आने वाले समय में केवल इन्हीं के बारे में बात होगी। उत्तर में मांडा, ये यहाँ पर देख सकते हैं मांडा या मांडा, ठीक है, चिनाब नदी के तट पर। दक्षिण में नर्मदा का मुहाना, दक्षिण में जो है दक्षिण का मुहाना जो दहमाबाद महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, प्रवारा प्रवारा नदी के तट पर, ठीक है। पश्चिम में मकरान तट, समुद्र तट बलूचिस्तान में, यह है आपका पश्चिम में, यह है मकरान तट जो है दास्क नदी के तट पर जो है सुत कांगरी डोर जो है आपका देखने को मिल जाएगा। पूर्व में आपके आ जाते हैं, उत्तर में अगर देखें उत्तर पूर्व उत्तर में और देखें तो उत्तर में मेरठ यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर में उत्तर पूर्व में और यहाँ मेरठ, ठीक है, आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के तट पर। पूर्व में अगर बात करें तो आपका जो है आलमगीरपुर इस सभ्यता की जो है चौहद्दी थी, यानी कि क्या बनाती थी, एक तरह से दीवार बना रही थी इस तरह से, ठीक है, चौहद्दी जिसको बोलते हैं, चार तरफ जो दीवार होती है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो त्रिभुजाकार था, तथा क्षेत्रफल की बात करें तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र विस्तार देख रहे हैं, क्षेत्रफल विस्तार, उत्तर में चिनाब नदी अखनूर निकट मांडा तक, पूर्व में देखें तो हिंडन नदी तट, आलमगीर तट, और थोड़ा सा उत्तर की तरफ अगर और देखें तो यहाँ पर मेरठ के पास में ही देखने को मिल जाता है, ठीक है। दक्षिण में देखें तो गोदावरी नदी जो है दायमाबाद, ठीक है, गोदावरी नदी जो है दायमाबाद, गोदावरी की जो सहायक नदी है प्रवरा नदी, ध्यान रखना अगर गोदावरी आता है तो आप जो है उसको सही कर देंगे, ठीक है। नर्मदा नदी का मुहाना भी यहाँ पर पड़ता है। दास्क नदी पश्चिम में सुत कांगी डोर तक, यहाँ पर दास्क नदी सुत कांगी डोर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो है महत्वपूर्ण विशेषता जो है नगर योजना थी, जिसके बारे में आगे प्रश्न पूछे जाएंगे। नगरों में सड़कें व मकान जो है विद्युत बनाए गए थे, मकान पक्की ईंटों के बने होते थे तथा सड़कें जो है सीधी होती थी, प्रत्येक सड़क और गली के दोनों ओर पक्की नालियां थी, जिससे आपका प्रश्न पूछा गया है और मैंने आपसे बात की भी थी। बनाई गई थी नालियां जो है पक्की व ढकी हुई थी, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिले, इससे प्रश्न आपका पूछा जाएगा और आपके बनेंगे भी। इसका प्रमुख जो है अनौष्ठानिक स्नान के इसका प्रयोग जो है अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता है। अनुष्ठानिक जो है कोई विधि विधान हो, कोई मर गया, किसी की मैयत में है नहाने आने के बाद, कोई कोई बड़ा फंक्शन है, शादी विवाह के रूप में किया जाता था। सेंदम निवासियों के जीवन का मुख्य जो उद्यम था या उद्योग था कृषि कर्म था, यानी कि कृषि कार्य था। यहाँ के मुख्य उद्योग खाद्यान्न की फसलों की बात करें तो गेहूँ, जौ थे,
खुदाई में गेहूं तथा जौ के दाने मिले हैं। फलों में केला, नारियल, खजूर और अनार, नींबू, तरबूज आदि का उत्पादन होता था। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता था। कुबड़दार बिरसव यानी कि बैल का मोहरों पर अंकन बहुत अधिक मिला है। सुरकोटदा में प्राप्त अश्वस्ति की मूर्तियों के आधार पर अब तक यह निष्कर्ष निकाला जा सका है, सैंधव निवासी जो है अश्व से परिचित थे, यानी कि घोड़े से, घोड़े और भैन के उससे परिचित थे। ये हाथी से भी परिचित थे। हड़प्पा संस्कृति के तौल के बाट जो है 16 अथवा उसके गुणज भार के हुआ करते थे, यानी 16, 64, 160, 320 इस तरह से हुआ करते थे। क्लियर हुआ? 16 के गुणज से हुआ करते थे। इससे आगे आपके प्रश्न बनेंगे। आपका समझ में आ गया, कुबड़दा बिरसव यानी कि बैल की मोहरों का अंशकन मिला है बहुत अधिक। सुरकोटदा से प्राप्त जो है अस्थि यानी कि घोड़े की अस्थि की मूर्तियों के आधार पर यह भी निष्कर्ष निकाला है कि यहाँ से जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं अश्व से यानी कि घोड़े से परिचित थे। लेकिन ये आपकी बात ध्यान रखना कि ये जो है युद्धों में घोड़ों से जुड़े हुए रथों का इस्तेमाल नहीं करते थे। हड़प्पा संस्कृति के तौल के बाद जो है आपके 16 या उसके गुणज से हुआ करते। इससे जुड़े हुए आपके प्रश्न मैंने आपके करवा दिए हैं। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ के निवासी जो है धातु निर्माण उद्योग, आभूषण निर्माण उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, हथियार निर्माण और औजार निर्माण उद्योग व परिवहन उद्योग से परिचित थे। ये बात सही है। खुदाई में प्राप्त मूर्तियों में अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका परिवार जो है मातृ सत्तात्मक था, यानी कि माता जो थी परिवार की जो है प्रमुख मानी जाती थी। समाज जो था व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में बटा हुआ था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी तथा शिल्पकार और श्रमिक। सैंधव निवासी जो है शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन किया करते थे। सैंधव निवासी जो है आमोद प्रमोद के प्रेमी थे। जुआ खेलना, शिकार करना, नाचना गाना, मुजरा देखना आदि लोगों के आमोद प्रमोद के प्रमुख साधन थे। पासा इस युग का प्रमुख खेल था। ठीक है, तो ये आपके कुछ मतलब तथ्य मैंने डाल दिए हैं साथ में, ताकि आप जो है इनको बेस बनाकर आगे के प्रश्नों को आप समझ भली भांति समझ सकें और अपना भी दिमाग को जो है इतना मजबूत रख सकें कि इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा जा सकता। आप आग लगा देंगे इस वीडियो को देखने के बाद, मतलब पेपर में नहीं, आप अपने दिमाग की जो बीमारियाँ हैं, जो धड़कन की जो बढ़ने का जो दुख दुख होती है ना उसका। चलिए धार्मिक जीवन की बात करते हैं। मातृ देवी के संप्रदाय का सैंधव संस्कृति में प्रमुख स्थान था। यहाँ पर पशु पतिनाश, महादेव, लिंग, योनि, वृक्षों व पशुओं की पूजा की जाती थी। लोथल यानी कि गुजरात, इसके बारे में बात होगी, और कालीबंगा यानी कि राजस्थान के उत्खननों को प्रणाम स्वरूप कई अग्निकुंड और अग्निवेदिकाएं मिली हैं। इससे आपका प्रश्न बनेगा ही बनेगा, 90% आप लिख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मृतकों के संस्कार में 3 विधियां मिली हैं, पूर्ण समाधिकरण यानी पूरी तरह से उनको दफना देना, आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण में क्या था कि मान लीजिए मैं मर गया हूँ, मुझे फेंक दिया गया, मुझे कीड़े मकोड़े खा गए, मुझे जानवर खा गए, बची कुछ हड्डियाँ थी उनको दफना दिया। दाह संस्कार मतलब मिट्टी में मतलब लकड़ी में बनाया, मतलब लकड़ी की चिता बनाई, उस पर रख दिया और हमका जो है जला दिया। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसमें चित्र और अक्षर दोनों ही ज्ञात होते हैं। लिपि जो है प्रथम लाइन से दाएं से बाएं तथा द्वितीय लाइन से बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी प्रथम लाइन से कैसे इस तरह से लिखी जाती है, किस तरह से शुरू होती है ये मान लीजिए, मतलब प्रथम लाइन से कैसे होती है, प्रथम लाइन से दाएं से बाएं यानी कि दाएं से बाएं मतलब इस तरह से जाती है, यहाँ से शुरू होती है इस तरह से जाती है, फिर दूसरी लाइन से क्या होती है बाएं से दाएं हो जाती है इस तरह से, ये बाएं से दाएं मतलब दाया दाया ये वाला हाथ होता ना इस तरह से, ये दायां और बायां, दायां बायां, तो इस तरह शुरू होता था, इस तरह से यहाँ से लिखना शुरू किया, इस तरह से शुरू करता था। ठीक है, तो इस तरह से तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यह तरीका जो है वायुष्ट्रोफिदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायुष्ट्रोफिदन कहा जाता है। पूजा की बात करते हैं, पूजा मतलब बिटिया की बात नहीं कर रहे यहाँ पर, पूजा मतलब अर्चना, अर्चना की भी बात नहीं कर रहे यहाँ, मतलब जो है स्तुति करते हैं, हे प्रभु इस तरह ये वाली पूजा बता रहा हूँ। आइए इसके बारे में देखते हैं। माता देवी की पूजा होती थी, नारी पूजा, कुमारी के रूप में देवियों की पूजा, प्रजन शक्ति की पूजा, प्रजन शक्ति की लिंग व योनि के रूप में पूजा होती थी। और आज भी जो है आप देखते हैं भगवान शिव का जो है वो लिंग होता है, तो वो योनि में घुसा हुआ जो लिंग होता है उसको, मतलब गंदी बात वाली बात नहीं हुई, वो यही होता है, यही जो है ना भगवान शिव का जो है लिंग होता है ना उसमें जो योनि वाला, तो वही इसी के बारे में प्रजन शक्ति की पूजा, तो उसी की पूजा करते हैं। पशु पूजा मुख्य तरह नाग, मगरमच्छ, वृषभ यानी कि बैल जो होता है आदि की पूजा करते थे। अग्नि पूजा यज्ञ वेदियों का प्रमाण मिला है यहाँ से। पृथ्वी की पूजा स्त्री के गर्भ से पौधा प्रस्फुटित चित्र मिलता है, मतलब एक स्त्री है उसके पेट से जो है क्या निकल रहा है, पौधा निकल रहा है,
तो मतलब ये पृथ्वी की भी पूजा ये करना जानते थे। चलिए नगर देखते हैं, अभी इनसे प्रश्न बनेंगे बनेंगे। आप जो है नजर के बाद नगर पे थोड़ा नजर डाल लीजिए। हड़प्पा रावी नदी के इस किस पुरानी इसका नाम क्या है, रावी नदी का परुसरी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु प्रांत में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, मोहनजोदड़ो सिंधु प्रांत में देखने को मिल जाता है, सिंधु प्रांत में। हड़प्पा की बात करें तो ये आपका हड़प्पा पाकिस्तान में देखने को मिलता है। रोपड़ देखें तो रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे देखने को मिलता है, यहाँ पर जो है रोपड़, ठीक है, ये रोपड़ जो है आपका। इसके बाद जो है आपका कालीबंगा, गग्गर नदी है, दुर्दृष्टि नदी, ठीक है। इसके बाद जो है लोथल, भोगवा नदी, कैम्बे की खाड़ी अरब सागर में, यहाँ पर जो है कौन सा आपका लोथल, ये आपका लोथल, ठीक है। उसके बाद है सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर ये आपका मिल जाएगा, सुतकांगेडोर, ठीक है। सुतकांगेडोर किस नदी के, दास्क नदी के तट पर, इससे प्रश्न बनेगा ही बनेगा, आपका पूछा जाएगा। बालाकोट की बात कर रहे हैं तो आपका अरब सागर में, सोन म्यानी खाड़ी के पूर्व में बिदार नदी के मुहाने पर आपका कौन सा है, बालाकोट, ये आपका बालाकोट, ठीक है। उसके बाद है कोट दीजी, कोट दीजी आपका अगर हम नीचे चलते चले जाएँ तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिंधु नदी, कोट दीजी है सिंधु नदी के तट पर, तो ये आपका कोट दीजी सिंधु नदी के पास में मिलेगा, तो कोट दीजी, ठीक है, ये कोट दीजी, ठीक, जो कि आपका पाकिस्तान वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। सोत का कोह अरब सागर, सादी कौर के मुहाने पर, अरब सागर सादी कौर के मुहाने पर, सोत का कोह, तो आपका जो है यहाँ पर सोत का किधर गया भैया, सोत का मरकान कुल्ली अमर, चलो 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 यहाँ पर होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे बताना कि कहाँ पर स्थित है, इसमें मैं नहीं देख पा रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो है रंगपुर, रंगपुर जो है भादर नगर नदी है जो कि आपकी गुजरात में पड़ती है, तो रंगपुर आपको देखने को मिल जाएगा, यहीं पर जो है आपका रंगपुर ये भादर नदी के पास में। बनावली जो कि आपके प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर देखने को मिलती थी, बनावली जो कि आपका देखने को मिल जाता है, ये है आपका बनावली वाला क्षेत्र, ठीक है, जो कि आपका 90% चांस है, मुझे उम्मीद है ये हरियाणा में देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये आपका कुछ प्रमुख सिटीज वगैरह हो गई। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं सिंधु सभ्यता से प्रमुख उत्खनन स्थल और उसके वर्ष और उसके निर्देशन, इससे प्रश्न बनता है आपका, पूछ लिया जाता है और मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। तो चलिए फिर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं और उम्मीद है आपसे इससे जुड़े हुए प्रश्न जो है आसानी से हल कर पाएंगे। हड़प्पा संस्कृति की बात करें, हड़प्पा नगर की बात करें तो मॉन्टगोमरी जिला पाकिस्तान में देखने को मिलता है, पंजाब प्रांत पाकिस्तान। कब इसकी खोज की गई थी, 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में। इसके जो प्रमुख कौन थे आपके, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल इसके प्रमुख नेतृत्व करता थे, और भारतीय कौन थे आपके, दयाराम सानी। मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंध प्रांत का लरकाना जिला पाकिस्तान में, सिंध, ये मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत का यानी कि पाकिस्तान का लरकाना जिला। कब खोज की गई थी, 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। सुतकांगेडोर की अगर बात की जाए, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में, यहाँ पर कोने पड़ता है सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। 1927 में इसकी खोज की थी ऑरेल स्टाइन ने। चन्हूदड़ो सिंध पाकिस्तान, ठीक है, चन्हूदड़ो यहाँ पर मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो इसके ठीक नीचे पड़ेगा चन्हूदड़ो, सिंध प्रांत पाकिस्तान। 1931 में इसकी खोज की गई थी एम जी मजूमदार के द्वारा खोजा गया था। रंगपुर अहमदाबाद काठियावाड़ भारत में, ठीक है, लोथल है रोथल के ठीक से नीचे आएंगे, मादर नदी या भादर नदी में आपका पड़ता है आपका रंगपुर, ठीक है, आपका 1951 से 1953 के बीच में ये माधो स्वरूप बस और बी वी लाल एस आर राव, ठीक है, इनके द्वारा ये खोजा गया था, समझ पा रहे हैं ना कौन सा आपका रंगपुर, मैं पीछे आपको बता चुका था डिटेल में। कोट दीजी सिंध प्रांत पाकिस्तान, कोट दीजी पाकिस्तान आपका हड़प्पा है, हड़प्पा के ठीक यहाँ पर नीचे मिलेगा आपका कोट दीजी पाकिस्तान। 1953 में इसकी खोज की थी फजल अहमद के द्वारा। रोपड़ जो है आपका मिलता है पंजाब भारत वाले क्षेत्र में, रोपड़, ठीक है, इसमें यहाँ पर देखने को मिलता है रोपड़ पाकिस्तान वाले पंजाब में, नहीं भारत वाले पंजाब में देखने को मिलता है, ठीक है। भारत वाले पंजाब में देखने को मिलता है। उसके बाद आगे आ जाते हैं कालीबंगा गंगानगर लोथल, ठीक है, गंगानगर आपका 1953 में यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है, कालीबंगा गंगानगर, ठीक है, गंगानगर कहाँ पड़ता है यार आपका, गंगानगर कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में पड़ता है यार, ठीक है। लोथल अहमदाबाद काठियावाड़ वाला भाग, ठीक है, ये लोथल कब की इसकी खोज की गई थी, लोथल की 1961 में, ठीक है, 1961 में बी बी लाल के द्वारा, ठीक है। चलिए हाँ, इसमें एक चीज़ और रह रही है आपकी, सिंधु घाटी सभ्यता
2350 ईसापूर्व से लेकर 1750 ईसापूर्व तक का सिंधु घाटी सभ्यता की थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सिंधु घाटी सभ्यता आरंभिक उत्खनन सिंधु नदी के आसपास हुई, इसलिए इसे मार्शल सन जॉन मार्शल द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता 1921 में इस सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा में हुई थी, इसलिए हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ताम्र काल कांस्य युगीन सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे पहले मनुष्य द्वारा औजारों के लिए जिस धातु का प्रयोग किया वो तांबा था, और कांसा से भी ये प्रसिद्ध है, इसे ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और नगर देख लेते हैं। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश वाला भाग, उत्तर प्रदेश भारत, किसके द्वारा खोज की गई थी? आपका यगदत्त शर्मा के द्वारा। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, ठीक है, यह उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाएगा, आलमगीरपुर मेरठ के पास में। सुरकोटा कच्छ वाला क्षेत्र, कच्छ मंत्र गुजरात वाला भारत में 1972 में इसकी खोज की गई थी जगपति जोशी के द्वारा। ठीक है, यहाँ जूम करके दिखा देता हूँ आपका, जो है राखी गढ़ी हिसार, यहाँ पर जो है लोथल के बगल में जो है कच्छ ऊपर आएंगे ना, तो सुरकोटा बनावली हिसार हरियाणा में, ठीक है, बनावली आपका जो है 1973 में खोज की गई थी आर एस बिष्ट के द्वारा। धौलावीरा कच्छ गुजरात भारत में खोज की गई थी इसका 1990 में आर एस बिष्ट के द्वारा। ये हो गया एक छोटा सा परिचय, इसके बारे में आपके प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे, तो मैंने आपको बताया भी था कि किससे संबंध थे, ग्रीस से, चीन से, इराक से या श्रीलंका से। तो आपका देखो चीन से भी कोई संबंध नहीं मिलता है, ग्रीस से भी, ग्रीस मतलब उधर रोम या रोम की तरफ चले जाएँ या फिर यूरोप की तरफ चले जाएँ तो उधर से भी कोई संबंध नहीं मिलता है, श्रीलंका से भी कोई संबंध देखने को नहीं मिलता है। कहाँ से मिलता है? आपका इराक वाले क्षेत्र से संबंध देखने को मिल जाता है। ठीक है, अवैध संबंध नहीं, मतलब प्रेम संबंध, व्यापारिक संबंध बता रहा हूँ, आप अवैध संबंध समझ रहे हैं, नहीं व्यापारिक संबंध की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब व्यापारिक संबंध की बात करें तो आपका सी से मिलता है, ठीक है, तो इराक से। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेसोपोटामिया हड़प्पन, इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना आपके काम आएगा। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंशियंट इजिप्ट और जो है मेसोपोटामिया, यहाँ पर जो है आपका फोर रिवर वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो टिग्रेस जो है आपका जो है, ठीक है, मेसोपोटामिया, इजिप्टियन सिविलाइजेशन नील रिवर, हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस रिवर, एंशियंट चाइना हुआंगो या कहें पीत नदी या कहें येलो रिवर के। ठीक है, ठीक है, ये आपका येलो रिवर, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, ये है आपका मेसोपोटामिया, ये इजिप्ट ऑफ नील, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं रखता है, संबंध नहीं रखता है? तो आपका एक चीज नोटिस करेंगे, आपका दधेरी, आपको लगता है दधेरी से कुछ संबंध है, तो भैया दधेरी में मिलेगा आपका संबंध है, प्रेम संबंध है, प्यारा वाला, हुलास से है, मांडा से है, आपका बुरजोम से, भैया बुरजोम से नहीं है, कहीं से भी नहीं देगा, क्योंकि बुरजोम जो है आपका जो है कहाँ पर पड़ जाता है, बुरजोम पड़ जाता है आपका यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, बुरजोम पड़ता है, ये आपका कौन सी जगह पड़ती है, बुरजोम, हाँ जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, तो आपका बुरजोम ये आपका, मैंने इसमें देखो मांडा दिखा देता हूँ, मांडा को मैं आपको मांडा दिखाता हूँ, मांडा, चलिए अभी मांडा है नहीं, उलास भी नहीं दिखेगा, दधेरी भी नहीं दिखेगी, लेकिन एक तो ना ध्यान रखना, दधेरी जो है वो आपका कहाँ पड़ता है, दधेरी पड़ता है आपका पंजाब वाले क्षेत्र में, लुधियाना के पास में। ठीक है, दधेरी इसमें है नहीं, बस आप ऐसे मान लीजिए हरियाणा के पास में दधेरी आपको देखने को मिल जाएगा, पंजाब वाला क्षेत्र है ना, तो दधेरी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा बुरजोम, बुरजोम जो है पुरापाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, पुरापाषाण से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी, उत्तर देख लीजिए आप, डी, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। कालीबंगन, तो आपको पता ही है कालीबंगन राजस्थान से, ये तो आपको मिल ही जाएगा, इम्पोर्टेंट है कालीबंगन राजस्थान। रोपड़ आपका जो है यहाँ पर मिल जाएगा, ये रोपड़, ठीक है, आपका रोपड़ जो क्या बोलते हैं इसको, रोपड़ को, हाँ हरियाणा में। पाटलिपुत्र, भैया पाटलिपुत्र नहीं है, लोथल, भैया ये रहा लोथल आपका, पाटलिपुत्र नहीं है, क्योंकि पाटलिपुत्र ये आपका देखने को मिलेगा, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, पाटलिपुत्र इधर है, ये है पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र का कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक आपका, किससे, सिंधु घाटी सभ्यता से, तो आपका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र आंसर है आपका सी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किससे, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, भैया दोनों सही है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, ठीक है, अपने उद्योगों के लिए, ठीक है,
तो आइए इसमें देखते हैं आपका उत्तर जो हो जाएगा, आपका उत्तर जो होगा 102 का, नहीं 104 है प्रश्न नंबर, आपका 104 का जो होना चाहिए तो वो होना चाहिए। देखो अब मैं थोड़ा इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए, मैं पहले तो पेन लगाता हूँ, आप भी समझ सकते हैं अपने नगरीय नियोजन के लिए, क्योंकि सबसे पहले नगरीय संस्कृति आपको यहाँ मिलती है, तो एक तो है ही, ठीक है, तो एक ही आ ही रहा है, तो देखो इसमें भी एक है इसमें भी, तो इसमें एक नहीं है तो ये तो अपने आप गलत हो ही जाएगा, ठीक है, और इसमें एक है इसमें एक है, तो ये दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, तो मोहनजोदड़ो भी है और इसमें हड़प्पा भी है, तो देखो दो इसमें भी है दो इसमें भी, तो इसमें भी हो सकता है, ये भी, ये तो नहीं होगा क्योंकि अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, तो इसमें इसमें भी तीन आ रहा है, अपने उद्योग के लिए, तो ये चारों सही हो जाएंगे। तो आपका उत्तर है डी, उत्तर है डी, उपयुक्त सभी, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए, तो ये आपका हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति को मोहरों पर नहीं मिला है? देखिए हाथी, बैल और गेंडा, हाथी बैल और गेंडा, मैं मैंने पीछे बताया था, इनको आप लिख लेना, हाथी बैल और गेंडा ये तो मिला ही मिला है। घोड़े का देखो, घोड़े का कहीं कोई खास अवशेष नहीं मिला है, बस सुरकोटदा जो है, या महादजी जो है, सुरकोटदा से हड्डी की, एक घोड़े की हड्डी मिली है घोड़े की, तो इससे ये जानकारी मिलती है कि घोड़े से परिचित वगैरह थे। लेकिन अंकन की बात करें, अंकन की मतलब, अंकन की मतलब उस पर लिपि की बात करें, तो ये लोग जो थे घोड़े से मतलब परिचित तो थे, लेकिन इनकी मोहरों पर घोड़े की कहीं वो नहीं मिलती है। भेड़ का भी मिल जाता है, हाथी का भी मिल जाता है, बैल का भी मिल जाता है, लेकिन घोड़े की केवल हड्डी का साक्ष्य मिला है एक छोटी सी, ठीक है, तो उससे संबंधित मिला है, लेकिन कोई भी इसका जो है वो साक्ष्य नहीं मिलता है, मतलब हड्डी मिली है केवल घोड़े की, भेड़ के बारे में मिल जाता है, हाथी के बारे में मिल जाता है, बैल के बारे में, तो उत्तर हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी या और मेसोपोटामिया के मध्य जो है व्यापारिक संबंध थे? यानी कि निम्नलिखित किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मध्य जो है प्रेम संबंध न होकर व्यापारिक संबंध थे? तो भैया क्या लगता है आपको, घोड़ा? घोड़ा की तो घोड़ा और बहन का जो है आप जोड़ी सकते हो उसमें, तो ये तो अपने आप ही मर जाएगा क्योंकि इसकी तो कोई मोहर मिली नहीं है। गधा, इसकी माँ का राम का गधा का ही दे दिया भैया। बैल, तो बैल जो है हो जाएगा, बैल और हाथी को देख थोड़ा सा देखते हैं, बैल और हाथी को आपको क्या लगता है, बैल होना चाहिए हाथी, तो बैल हो जाएगा उत्तर इसका। बैल, कौन सी वाली बैल की मूर्ति मिली है, ये वाली जो बैल है ना यहाँ पर, ये बैल, अभी बैल कहाँ गया, मैंने यहाँ पर बैल लगाया था, हाँ ये वाली जो बैल की मूर्ति है ना, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया दोनों से मिली है, तो बैल की मूर्ति से ये पता चलता है, मतलब बैल की जो एक मोहर मिली है जिसमें बैल की आकृति बनी थी, तो इंडस वैली और मेसोपोटामिया रिलेशन इससे मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको आप थोड़ा सा आपको फायदा मिलेगा इससे, इंडस वैली द यूनिकॉर्न सील द, ठीक है, इंडस सील, ठीक है, इंडस सील फाउंड इन किस, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, द मदर गॉड इज द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिटीज ऑल्सो द वर्शिप मदर गॉड इज, ठीक है, जो देवी थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा आपका बेल सी, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में, या फिर मातृ शक्ति में? तो आपका जो है सबसे अधिक जो करते थे मातृ शक्ति में ये करते थे आपका, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, मातृ शक्ति, तो द मदर गॉड इज द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिटीज द वर्शिप्ड, वर्शिप्ड मदर गॉड इज द इम्पोर्टेंट अनकवर्ड पोजेज इंक्लूड अ डांसिंग गर्ल, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता को अधिक, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित थी? सेल खड़ी से, ठीक है, सेल खड़ी से, अफीक से, पक्की मिट्टी से, या तांबे से? तो सबसे अधिक जो मोहरें मिली हैं वो किससे बनी हुई थी? सेल खड़ी से बनी हुई थी। आपका उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। अब सुमेरिया कहाँ से गूंज दिया है, सुमेरिया देखेंगे, ठीक है, सुमेरिया थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सुमेर एक जगह पड़ती है, सुमेर मैं आपको दिखा दूँ, सुमेर कहाँ पड़ता है, सुमेर 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 सुमेर, ये है आपका सुमेर, पर्सिया यानी कि ईरान वाला क्षेत्र, ठीक है, ईरान। ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे,
ताम्र सिक्के का, ठीक है, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, दास प्रथा अपनाते थे। देखो मैंने आपको बताया था ताम्र सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि सबसे अधिक सिक्के जो मिले सेल खड़ी के मिले हैं, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे भैया, ये धर्म को मानते थे, इसे मातृ देवी की पूजा होती है, देवताओं की पूजा होती थी, प्रकृति की भी पूजा करते थे। दास प्रथा अपनाते थे भैया, कहीं पर दास प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि लिखित साक्ष्य मिलाई नहीं तो कहाँ से दास प्रथा मिल जाएगी, समझ रहे ना। तो आपका सीधा सा उत्तर होता है सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। ये है आपका सुमेरी, ये सुमेर वाला क्षेत्र ना, पर्सिया, ठीक है, पर्सिया मतलब ईरान वाला क्षेत्र, तो इसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता के सुमेरिया से संबंध थे व्यापारिक। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र में किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको पता होगा ईरान से संबंधित है, क्योंकि ईरान जो था पारसी, जो पारसी धर्म था, पर्सिया बोलते हैं ना, पारसी धर्म जो ईरान था पहले पारसी धर्म का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था, लेकिन जब आपको पता होगा जब इस्लाम का उदय हुआ, इस्लाम के उदय होने के बाद उन्होंने अपना जो कत्लेआम मचाया, तो फिर आप जानते हैं वो किन किन चीज़ें फोकस है, जब कत्लेआम मचाया, कत्लेआम किया, तो ईरान की जो है कहके ले ली जगह, मतलब इस पर हम कब्जा करने आ रहे हैं, तो इस्लाम वहाँ पर फैल गया, और जो पारसी पारसी जो लोग थे बेचारे इधर उधर चारों ओर भटकते रहे, तो पारसी जो धर्म के जो लोग थे उनका जो है एक तरह से मोटा मोटी कहें तो उनका उनसे जो है पवित्र एक तरह से ग्रंथ मान सकते हैं, तो ऋग्वेद एंड द अवेस्ता द फाइनल एविडेंस, ठीक है। तो अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपका ईरान से संबंधित। तो आप दिमाग में एक चीज़ बता लीजिए कि पारसी धर्म से संबंधित एकमात्र देश कौन सा था, तो ईरान था, जो कि इस समय कौन सा देश है, एक जो है मुस्लिम कंट्री बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि मैंने बताया था इस्लाम का उदय हुआ, और उदय जब हुआ तो जो है आपका उदय जब हुआ तो उदय होने के बाद ईरान से जितने भी पारसी है उनको जो है तहस नहस कर दिया और उनको मिटा दिया, उनकी हस्ती, उसके बाद जो है ईरानी जो लोग थे यानी पर्सियन जो लोग थे इधर उधर बेचारे भटकते रहे, और भारत में आपको मिल जाते हैं ईरानी लोग जो अक्सर मिल जाते हैं, ईरान मतलब पर्सियन जो लोग हैं मिल जाते हैं, यहाँ का मोटा मोटी पारसी धर्म के लोग मिल जाते हैं। तो आपको अंदाज लग गया होगा भारत से संबंधित नहीं है, इजराइल से संबंधित नहीं है, और मिदा से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित होगा, तो आपका ईरान से संबंधित होगा। क्यों, क्योंकि अवेस्ता जो है पहले इसको पर्सिया ही कहा जाता था ईरान को, जो कि पारसी धर्म का एक क्या था, प्रमुख गढ़ था, समझ गए ना। तो आपका ईरान से संबंध बताता है, आपका उत्तर इसका ए हो जाएगा, और इसका उत्तर जो हो जाएगा बी, ईरान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्न नीचे दो वाक्य दिए हैं, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। फिर से बता दूं, नीचे तो दो वाक्य दिए गए हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर जो है अब ये विलुप्त हो गए, बिल्कुल सही बात है, वे खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ठीक है, विलुप्त हो गए थे, लेकिन खुदाई के दौरान वो क्या हुए, निकले थे, क्योंकि विलुप्त हो गए थे हमने खुदाई की तभी तो निकले थे। तो ये ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन ए और बी जो है, हाँ इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर होगा हाँ ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही स्पष्टीकरण है, ठीक है, स्पष्टीकरण है ए का, ठीक है, बी जो है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। तो आपका उत्तर होगा बी, ए और ये दोनों सही है, लेकिन ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, आपका उत्तर होगा बी। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार या फिर ग्रेट जो है वात कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो आपका उत्तर हो जाता है आपका कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो मोहनजोदड़ो से मिलता है महान स्नानागार या कहें ग्रेट वात या कहें सबसे बड़ा जो है स्नानागार। आपको जो है एक सड़ी सड़ाई मूवी आपने देखी होगी मोहनजोदड़ो, ठीक है, तो उसमें आपको इस तरह से देखने को मिलता है, उत्तर और दक्षिण से इसमें घुसने को मिलता है, इस दाएँ बाएँ से कुछ नहीं है, पूर्व पश्चिम से कुछ नहीं होता है, इससे अक्सर प्रश्न भी आपका बन जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थीं, उत्तर पाश्रम में, दक्षिण पाश्रम में, पूर्वी पाश्रम में, या फिर पश्चिमी पाश्रम के नीचे, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो आप देख पा रहे हैं उत्तर और दक्षिण पाश्रम में, तो आपका एक ऊपरी हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और एक दक्षिणी हो जाएगा, तो आपके दो सही हो रहे हैं, ये एक ये गलत है और एक ये गलत है। आपका उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी, एक और दो, तो आपका उत्तर हुआ एक और ये दो,
तो आपका ये ऊपर से और ये नीचे से, मतलब उत्तर और दक्षिण, पूर्व पश्चिम नहीं, तो आपका इधर से गलत हुआ, इधर से गलत हुआ। तो आप यहाँ पर भी देखते हैं, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ग्रेट इन है तो इसको जो है दिख रहा है ना, एक ये और ये दाएं बाएं से कुछ भी नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा इसका। अरे यार क्यों मरे जा रहे हो मादर भगत, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। हाँ चलिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी, वो ए एक और दो, एक ये और ये उत्तर दक्षिण से देखने को मिलता है। ठीक है, मोहन जोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, मोहन जोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, क्या लगता है आपका, द ग्रेट बाथ। तो भैया ग्रेट बाथ तो एक वो है ना, स्नानागार है ना, तो वहाँ पर तो नहाते धोते हैं ना, तो बिल्डिंग थोड़ी ना है, तो आप स्नानागार स्नानागार को तो हटा दीजिए, दो मंजिला भवन तो ये कोई मतलब ही नहीं बन रहा, गढ़ी हटा दीजिए, आपका अन्नागार हो जाएगा, अन्नागार जिसको ग्रेनरी के नाम से जानते हैं। तो मोहन जोदड़ो की दो प्रमुख जो जगह आ जाती हैं, एक तो ग्रेट बाथ आ जाता है और ग्रेनरी आ जाता है, तो आपके इसमें दो प्रश्न आपके अपने आप ही बन जाते हैं कि मोहन जोदड़ो में मोहन ग्रेनरी या जो है अन्नागार कहाँ पर है, मोहन जोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, तो आप कहेंगे हड़प्पा में, मेरे पीछे आपको बताया भी था, तो ग्रेनरी ऑफ हड़प्पा आप इसका देख सकते हैं। ठीक है चलिए, क्वेश्चन नंबर 14-15 देखते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, मोहन जोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, गृह निर्माण तरासे व उपयुक्त थे, यानी कि पॉलिशदार थे, ठीक है, उपयुक्त पत्थरों से होता था, गलत बात है, पॉलिशदार नहीं मिलते थे, सादा सिंपल ईंटें मिलती हैं। बी है, कुल्हाड़ी, छेनी, छुरियाँ तथा मछली पकड़ने कांटे सब लोहे के बने थे। तो भैया आप सीधी सी बात दिमाग लगाओ कि माना कुल्हाड़ी मिली थी, छेनी मिली थी, चाकू छुरियाँ मिली, मछली पकड़ने का कांटा मिला, लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पर जुड़ गया, लोहे से बने थे, जब कहा गया है कि लोहे से ये परिचित ही नहीं थे, तो आपका बी अपने आप गलत हो रहा है। ठीक है, बी जो है अपने आप गलत हो रहा है। स्नानागारों का फर्श पक्की पकी हुई ईंटों का बना था, भैया बिल्कुल सही है, क्योंकि पकी हुई ईंटों का बनेगा, कच्ची ईंटों का बनेगा तो भैया ईंट कैसी हो जाएगी, आप समझ पा रहे हो ना, स्नानागार का मतलब है ना कि आपका जो है बात, मतलब हम कह सकते हैं स्विमिंग पूल, सिंगम पूल होता है ना, सिंगम पूल, तो हम सिंगम पूल मान सकते हैं पूरी तरह मोटा मोटी, और सिंगम पूल जब ही तो टिक पाएगा जब सिंगम की ईंटें जो है पकी हुई होंगी, तो आप एक बात अंदा लगा सकते हैं कि ये लोग जो है पकी हुई ईंटों से परिचित थे, पकी हुई ईंटों से परिचित थे, पक्की ईंटों का बना हुआ था फर्श, क्यों, तभी तो पानी रुकता था, तभी तो जो छपाक से ही पानी में कर पाते थे, गाना सुना होगा, भीगाए बदन तेरी पानी में आग लगाऊं, ऐसे कुछ कविता मैंने सुनी थी किसी मूवी में, तो पानी पता नहीं क्या है यार, पानी पानी वाला डांस गाना है ना, तो पानी वाला डांस अब कैसे हो पाएगा जब पानी में जो डांस करने के लिए ईंटें पक्की नहीं होंगी, अगर आप पक्की ईंटों का नहीं बनाएंगे तो पानी गड्ढे में घुस जाएगा, तो पानी वाला डांस नहीं हो पाएगा, तो पकी हुई ईंटों का बना हुआ था, तो आप सीधा सा मतलब, क्योंकि एक ही हमें लगाना, तो सी आपका उत्तर हो जाएगा। फिर भी आपका देख लेते, वहाँ के निवासियों को स्वर्ण आभूषणों का ज्ञान नहीं था, तो भैया गलत है, सोने से ये लोग परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे, बाकी सारी चीज़ें थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा भैया जी। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आएगा आपका, पोएट्री, पोट्री, पोट्री बोलते हैं, पोएट्री नहीं, ज्वेलरी, ठीक है, तो वेयर वाज गोल्ड फाउंड इन इंडस वैली, गोल्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये आपका मेड द हैमरिंग सी, ठीक है, गोल्ड यूज रिपोर्टेड राइट फ्रॉम द न्योलिथिक द मेहरगढ़ इन द बलूचिस्तान पाकिस्तान, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। चलिए तो आपका क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों के कुओं के अवशेष मिले हैं, हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से, या मोहन जोदड़ो से, कुओं के अवशेष मिले हैं, कुओं से प्रश्न अक्सर पूछा गया है, फिर से बता दूं, निम्नलिखित में से किस जगह से कुएं के साक्ष्य मिलते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा मोहन जोदड़ो। तो मोहन जोदड़ो की आप तीन चीजें लिख लेंगे, पहली चीज ग्रेनरी, अन्नागार, विशाल अन्नागार, अन्नागार बोलते हैं, विशाल छोड़ो, सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार, दूसरा ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ को भारतीय भाषा में क्या बोलते हैं, स्नानागार, सिंगम पुल, दो हो गए, तीसरा आपका कुओं के अवशेष मिले हैं, कहाँ से, आपके मोहन जोदड़ो से, ठीक है, कुओं के, इस तरह से ये कुओं के अवशेष देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, उत्तर हो गया आपका डी,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्नलिखित में से कौन अंकित नहीं है, मतलब कौन अंकित नहीं है, यानी पूछ रहा है कौन अंकित नहीं है, मतलब वो अंकित नहीं है, मतलब वो तो वो कौन है, वो राजू है, ये बात नहीं पूछ रहा है। वो ये कह रहा है कि हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की, तो कौन सा इसमें अंकित नहीं है। तो मैंने आपको बताया था तीन लोग तो आप पकड़ी लपक के ले लो, तीन को, हाथी ले लो, गेंडा ले लो, बैल ले लो, समझ गए ना। यहां पर आ गया बाघ, यहां पर आ गया बाघ, तो आपका जो है बाघ जो है, अब हाथी घोड़ा बैल नहीं, आपका बाघ, बाघ नहीं होगा, बैल होगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर, पशुपति की, ठीक, पशुपति की मोहर पर, बात को समझिए, मतलब वैसे तो आपको बैल मिल ही जाता है, बैल मिल जाता है, इसमें पशुपति की मोहर पर बैल नहीं बना है। पशुपति जो थे ना भगवान पशुपति जो इनके मिलते हैं यहाँ पर, इसमें जो है बैल नहीं बना है, ये देखिए भैंसा बना है, ये शायद भैंसा है, पता नहीं क्या है, ये आपका ये गेंडा दिख रहा है, ये जहाँ तक अंदाज है बाघ दिख रहा है, ठीक है। तो इस पर क्या नहीं बना, बैल नहीं बना है, पशुपति की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ ना, तो फिर से बता दूँ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर कौन अंकित नहीं है, हाथी बना हुआ है, गेंडा बना हुआ है, बाघ बना हुआ है, बैल नहीं बना हुआ है, बाकी बैल आपका मिल जाता है, बैल मिल जाता है, एक सी वृषभ जो होता है ना, बैल वगैरह की मिल जाती हैं, लेकिन पशुपति के पैर नहीं है, यहाँ पर पशुपति पे फोकस करेंगे, ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा, पशुपति पे बैल नहीं मिलते हैं। मोहनजोदड़ो को प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरा हुआ है, किन पशुओं से घिरा हुआ है, कौन आपके ये पशुपति, तो किन किन से घिरे हुए हैं, चीता, गेंडा, भैंसा, हाथी, चीता, गेंडा, भैंसा और हाथी, जूम करके दिखा देता हूँ, चीता, भैंसा, गेंडा, हाथी। अब इसमें है क्या नहीं, देखो बैल नहीं है, तो आप समझ गए होंगे ना, तो बैल जिसमें भी दिखे ना आप जूता मार के अपने आप कर दोगे, देखो बैल को अभी पीछे हमने पढ़ा था ना बैल, तो बैल को देखो आप बैल को कर दीजिए, बैल को यहाँ पे फेल कर दीजिए, तो देखो इसमें कहीं बैल दिख रहा है, इसमें बैल है ये काट दो, इसमें बैल है ये काट दो। अब देखो भैंसा, गेंडा, भेड़, चीता, भैंसा, चीता, ठीक है, तो यहाँ पर जो है भैंसा, अब देखो इसमें हाथी नहीं है, हाथी भी है ना, तो हाथी हो जाएगा, तो ये वाला डी आपका उत्तर होगा डी। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले, हड़प्पा से, राखीगढ़ी से, रोपड़ से, या फिर जो है आपका क्या बोलते हैं, रोपड़ से या फिर मोहनजोदड़ो से, तो आपके मोहनजोदड़ो से क्या नहीं मिले हैं, कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं, हड़प्पा से मिल जाते हैं, राखीगढ़ी से मिल जाते हैं और रोपड़ से मिल जाते हैं। मोहनजोदड़ो का याद रखेंगे आप, पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति में क्या क्या है, चीता, गेंडा, भैंसा, हाथी, क्या नहीं है, भेड़ नहीं है, क्या नहीं है, बैल नहीं है, क्या नहीं है आपका, सांप नहीं है, क्या नहीं है आपका, शेर नहीं है, चार याद रखो, चीता, गेंडा, भैंसा, हाथी, पशुपति की मूर्ति पे। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, कुएं मिले हैं, समझ पा रहे ना, ये चीज़ें आपकी मिली हैं। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात बिरसड़ मुद्रा, बिरसड़ मतलब जो पहल होता है ना, बिरसड़ मुद्रा जो है प्राप्त हुई है, हड़प्पा से, चन्हूदड़ो से, लोथल से, या फिर जो है आपका मोहनजोदड़ो से, तो आपका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से बिरसड़ मुद्रा मुद्रा प्राप्त हुई है, ठीक है, बिरसड़ मुद्रा प्राप्त हुई है, जिस पर बैल की जो है आकृति बनी हुई है। लेकिन अब पूछा जाए पशुपतिनाथ की पे जो है बैल बना हुआ है, नहीं भैया पशुपति के नाथ, पशुपतिनाथ पर बैल नहीं बना हुआ है, लेकिन आपकी बैल की मुद्रा वाला, इसलिए हम कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, ठीक है, तो हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए आंसर इसका हो जाएगा डी, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, गुजरात में, पंजाब में, अफगानिस्तान में, तो भैया आंसर है आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो है मोहनजोदड़ो आपका स्थित है, ठीक है, मोहनजोदड़ो आपका स्थित है। आइए मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये है मोहनजोदड़ो, किधर गया, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये है, भारत से इसका कोई लेना देना नहीं है। गुजरात में ये लोथल वगैरह आ जाता है,
पंजाब में, पाकिस्तान का भी पंजाब पड़ता है और भारत का भी पंजाब पड़ता है, तो पंजाब कन्फ्यूज कर देने वाला अपने आप ही अफगानिस्तान तो हो ही नहीं सकता, वो कोने में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? आपका अपने आप लगा सकते हो, भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, या पाकिस्तान के सिंध प्रांत में? तो आप उत्तर समझ गए होंगे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आपका मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। बड़ा खुजली हो रही है यार कान में, थोड़ा मजा ले लो, अच्छा लगता है कभी कभी। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, पाकिस्तान, ये आपका मोहनजोदड़ो देखने को मिलेगा। नहीं, ठीक है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई थी कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, चन्हुदड़ो से, या कालीबंगा से? फिर से क्वेश्चन को ध्यान रखना, याद भी रखना कि आप ये कहाँ बनेगी बात आपकी। ठीक है, तो फिर से बता दूं मैं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 123 है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आपका उत्तर हो गया मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार मिला है, मोहनजोदड़ो से आपका क्या नहीं मिला है? मोहनजोदड़ो से मैंने क्या बताया था, एक क्वेश्चन और मैंने पीछे पीछे पूछा था, मोहनजोदड़ो से क्या नहीं मिला था? हाँ, मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिलते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से आपका क्या मिलता है? विशाल अन्नागार मिल जाता है, स्नानागार मिल जाता है, कुआं मिल जाता है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिल जाती है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति के साथ मिलते हैं, बिरसड़ मतलब जो है बैल जो है उसकी वो मिल जाते हैं, मोहर वगैरह मिल जाती है, मुद्रा मिल जाती है। लेकिन पशुपतिनाथ पर आपको मैंने बताया था, पशुपतिनाथ पर बैल की मूर्ति, बैल का जो है नहीं है, पशुपतिनाथ पर चार पशु हैं, कौन कौन से हैं आप बताना चाहें तो बता देंगे, 1 रुपया दूंगा। चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहन जोदड़ो। अच्छा, इसके आंसर मैं कर दूंगा आपका, इसका सी, इसका जो है आपका उत्तर हो जाएगा ए, मोहन जोदड़ो। हड़प्पा संस्कृति के निम्न में से कौन सा स्थल जो है कच्छ प्रदेश में स्थित है? देसलपुर, धौलावीरा, लोथल, रोजदी। ठीक है, तो आपके उत्तर है 1, 2 या फिर जो है आपका इसमें से कोई नहीं। तो आप एक चीज़ देखना, कच्छ का रण देखो, ये कच्छ का रण देखिए, ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र इस तरह से मैं मान के चलिए, महाराष्ट्र नीचे वाला जो है सौराष्ट्र, ऊपर वाला कच्छ का रण, तो कच्छ का रण वाला जो क्षेत्र है, तो आप एक चीज़ देखिए, लोथल देखिए, लोथल पे फोकस करेंगे तो लोथल जो है 3 है, तो देखो सब में लोथल जो है इन्होंने चिपका रखा है, इसमें भी चिपका रखा है और इसमें भी लोथल चिपका रखा है, इसमें भी चिपका रखा है, क्योंकि इन्होंने किस तरह से पूछा है, कच्छ प्रदेश में। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा देसलपुर, यहाँ पर जो है आप मैं आपको दिखा दूँ, और धौलावीरा, देसलपुर और धौलावीरा जो है आपका कहाँ पर देखने को मिलता है, ये इस तरह से जूम करके दिखाऊँ, ये कच्छ वाला क्षेत्र, धौलावीरा और देसलपुर, ये आपके कच्छ के नीचे वाला सौराष्ट्र है, ऊपर जो है कच्छ वाला क्षेत्र है, तो आपका देसलपुर और कच्छ के रण में ये दोनों मिलते हैं। अभी कंफ्यूज करने के, तीनों आपकी ले लेंगे, कह के ले लेंगे, क्योंकि इन्होंने लोथल घुस दिया ना, लोथल आप दिमाग लगाएं, कच्छ कच्छ मतलब यार गुजरात में पड़ता है, लपक के गए एकदम, कच्छ को चाटा चाट चाटा चाट चाट चाट, अरे क्या कर रहा है भाई, लाल हो जाएगी मेरी, मतलब क्या लाल हो जाएगी, अरे ज्यादा ना चाट, क्या लोथल को ज्यादा मत चाट, क्यों? क्योंकि भैया कच्छ के रण में नहीं है वो, सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में, ये सौराष्ट्र वाला क्षेत्र पड़ता है ना नीचे, क्लियर हुआ ना? तो आपका ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, यानी कि देसलपुर और धौलावीरा कहाँ पर पड़ता है? आपके कच्छ के रण वाले क्षेत्र में, आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में तो कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में है? हड़प्पा संस्कृति के कौन से प्रदेश जो है, मैं पीछे मैं साफ नहीं आ पा रहा था इसलिए मैंने अलग से दिखा दिया यहाँ पर, तो ये मैंने बड़ा करके दिखा दिया। देखो ये नीचे वाला जो है सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है, और ये जो है ऊपर वाला जो है कच्छ वाला, कच्छ का जो दलदली क्षेत्र है, तो यहाँ पर देखो देसलपुर दिख रहा है ना, ये आपको देसलपुर दिख रहा है, और ये धौलावीरा दिख रहा है, तो देसलपुर, ये धौलावीरा और ये देसलपुर, ठीक है, समझ पा रहा ना? तो चलो मैं यहाँ से ये बिगाड़ देता हूँ यार, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन को हटा देता हूँ और इसको कर देता हूँ सेव, दो दो जगह नहीं है मैंने। आप ऐसे मान लीजिए ये हिस्ट्री हिस्ट्री है, अभी 78 पेज हुआ है, अभी 388 पेज और रह गए हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैंने बता दिया था आपको, ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप, तो हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित तो कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? देसलपुर, धौलावीरा, लोथल, रोजदी। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया था देसलपुर और रोज धौलावीरा। आइए
इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो भैया देखो, लोथल पे आप लपक के चले जाओ, एक ही लगाना है, लोथल पे लगा देंगे, तो इसलिए लगा देंगे, ये बंदरगाह क्षेत्र एक ही है। कहाँ पर है? गुजरात का हड़प्पाई बंदरगाह है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 125 का आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बी, बिना किसी देरी के हम लोथल लगा देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? तो लोथल लगा देंगे बिना कहीं, इसमें सी हो जाएगा, ठीक है सी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, देखो हड़प्पा ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, ये पंजाब प्रांत में। मोहनजोदड़ो, ये जूम करके दिखाऊं, ये मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में पड़ता है। लोथल आपका जो है, आप समझ ही गए होंगे, लोथल जो है गुजरात के सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, उत्तर आपका सी। क्वेश्चन नंबर किस स्थान से स्त्री पुरुष किस स्थान से स्त्री पुरुषों के समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से, हड़प्पा का कब्रिस्तान से, मोहनजोदड़ो से, या फिर लोथल से? आपका क्वेश्चन 128 का हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका उत्तर डी, लोथल से। आपका क्या मिला है? स्त्री और पुरुष, यानी कि ये स्त्री है और ये पुरुष है, क्योंकि स्त्री को अक्सर देखता है पुरुष, इसलिए इन्होंने अंदाज लगा लिया कि ये स्त्री होगा और ये पुरुष होगा, क्योंकि ये ताड़ रहा है ना, मरने के बाद भी मान लेना है, ये आप अरामपन देख रहे हो ना इसका, ये मरने के बाद भी नहीं मान रहा है, तो ये एक बहुत खतरनाक बात है। चलिए कोई बात नहीं, चलता है इतना यार, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, डॉक यार्ड एंड लोथल वाज वेल द कनेक्टेड विथ विच? तो आपका जो है भोगवा रिवर, थोड़ा लोथल हो गया ना। युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं लोथल से। आपका उत्तर हो जाएगा, इसका तो डी है लोथल, और इसका जो है वो आ जाएगा सी लोथल, भोगवा रिवर। नेक्स्ट देखते हैं, लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था भीमा नदी से, भोगवा नदी से, नर्मदा नदी से, या ताप्ती नदी से? तो भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। तो द डॉक यार्ड एंड लोथल वाज वेल कनेक्टेड विच विथ विच रिवर? तो भोगवा रिवर, ठीक है। तो वेयर इज भोगवा रिवर, रूम करके दिखा दूँ, इट फ्लोज फ्रॉम द अरावली रेंज ऑफ द उदयपुर राजस्थान, मीट्स द गल्फ गल्फ ऑफ खंबात ऑफ अरबियन सी, ठीक है। ये जो गल्फ ऑफ खंबात है ना, ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ से। वन ऑफ द मिथ रिलेटेड द ओरिजिन ऑफ द रिवर दैट द शिवा रोड द गोडेज गंगा टू द गुजरात विच द कॉल्ड सावरवती, सावरवती रिवर टू कम इन टू द विंग, देयर आर मैनी रिजर्वर्स एंड द सावरवती इट्स द ट्रिब्यूटरी, ठीक है। इतनी काफ़ी जानकारी है, ठीक है। चलिए, अंतर समझ में आ गया ना, भोगवा रिवर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ पा रहा होगा और आप जो है आनंद भी ले पा रहे होंगे, और आपके जो है क्वेश्चन एक से कम 2 से 4 जो है सॉल्व हो पा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जोड़ा हुआ था? तो वो आपका उत्तर आप समझ ही गए होंगे कि इसमें जो है आपका क्या उत्तर होगा, भोगवा नदी, ठीक है ठीक है। तो फिर से एक बार बता दूं, वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जोड़े हुआ था? तो भोगवा नदी, ठीक। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं लोथल, यह है गल्फ ऑफ खंबात, तो लोथल नदी इसी में गिरा करती थी, तो ये है आपका लोथल, वो भोगवा नदी इसी में गिरा करती थी। किस हड़प्पीय स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? किस हड़प्पीय, तो लोथल से चावल का साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो आपका गोदीवाड़ा देखो आपका मिल गया लोथल से, भोगवा नदी आपका जो है लोथल से जुड़ा हो गया। अब बात आ रही है आपका हड़प्पीय स्थल चावल का साक्ष्य मिला है, तो लोथल से मिला है आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी भोगवा, इसका उत्तर हो जाएगा लोथल बी। हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं लोथल आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, लोथल इसका उत्तर हो जाएगा। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुत देवता की कृति प्राप्त हुई है कहाँ से? तो आप इसका उत्तर जो है आपका उत्तर हो जाएगा सी। चावल मिले हैं लोथल से, गोदीवाड़ा मिला है, भोगवा नदी से संबंधित है, ठीक है। और आपका जो है यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन मैंने आपको पीछे बताया था कि प्रेम करती हुई जो मूर्तियाँ थी, मैंने किधर गई, प्रेम करती हुई मूर्तियाँ वाला क्वेश्चन भी यही लोथल से ही जुड़ा हुआ था, ठीक है। कहाँ गया पुरुषों के समाधान वाला, तो वो भी आपका लोथल से ही देखने को मिलता है। युग्म समाधान यानी कि जोड़े वाला समाधान, यानी कि जोड़े वाली समाधि कहाँ से मिलती है, तो वो भी आपकी लोथल से ही देखने को मिलती है। तो आप इसको लिख लेना, आपका बार बार प्रश्न बनेगा तो आप जो है इसको आनंद से भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, मृण पत्रिका उत्कीर्ण सिंह देवता की कहाँ से मिली है? तो वो आपकी लोथल से मिली है। हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहाँ से मिला है?
तो वो आपका मिला है लोथल से, ठीक है। हाथी या दांतवी आपका लोथल से मिला है, पैमाना वगैरह, और लोथल मैं आपको बता चुका हूँ सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में, ठीक है। वहीं आपका धौलावीरा पूछा जाए तो धौलावीरा कहाँ पर पड़ता है, आपका कच्छ वाले क्षेत्र में, लोथल कहाँ है सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो आपका उत्तर मैंने आपको बता देना है यहाँ पर, ये आपका इसका हो जाएगा बी, ठीक है, बी मतलब लोथल, इसका हो जाएगा बी मतलब लोथल, इसका हो जाएगा आपका सी लोथल, इसका ये हो जाएगा आपका बी लोथल। तो आप इसको तो समझ गए होगा लोथल कहाँ पर स्थित है, तो आपका गुजरात में, किस क्षेत्र में गुजरात के, तो सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को दो नवीनतम खोजों का निर्धारण किया था, कुंतासी और धौलावीरा, रोपड़ या मांडा, तो आपका उत्तर हो जाएगा इसका किसका, क्वेश्चन नंबर 138 का, क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर है वो है आपका कुंतासी। कुंतासी जो आपको मैं अगर दिखाऊं, कुंतासी जो पड़ता है, कुंतासी कुंतासी कुंतासी, ठीक है, कुंतासी और धौलावीरा, ये जो है हड़प्पा सभ्यता की दो जो है नवीनतम खोजों का जो है निर्धारण किया गया है। तो धौलावीरा बिलोंग टू द इंडस वैली हैज बीन डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये भी ध्यान रखना, धौलावीरा को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है, जो कि भारत के गुजरात नामक राज्य के कच्छ ऑफ रण में, यानी रण के कच्छ में देखने को मिलता है। अब कुंतासी और देखना यार मुझे, कुंतासी कुंतासी मैंने जहाँ तक अंदाजा चिपकाया था, कुंतासी मोटी, ठीक है, कुंतासी, हाँ ये है कुंतासी, ये भारत में ही पड़ता है और गुजरात वाले क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, भारत के गुजरात वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाता है, ठीक है। और गुजरात के किस में, सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में, आपसे पूछा जाए कि कुंतासी गुजरात के सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में है या फिर कच्छ वाले, तो हम कहेंगे गुजरात के सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में है कुंतासी। और धौलावीरा कहाँ पर है, धौलावीरा जो है आपका, धौलावीरा जो है कच्छ वाले क्षेत्र में। तो ये दो है नवीनतम वो है, ठीक है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से, धौलावीरा से, या फिर जो है आपका कोट दीजी से, या फिर जो है आमरी से, तो आपका जो है धौलावीरा से मिला है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य, यानी कि शैलकृत स्थापत्य को क्या बोलते हैं, शैलकृत, शैल मतलब पत्थर, शैल मतलब चट्टान, चट्टानों से बनी हुई एक कोई भी मूर्ति वगैरह मान लीजिए, तो शैलकृत स्थापत्य जो है कहाँ से मिला है आपका, धौलावीरा से। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर तीन भागों में बटा हुआ है, तो वो आपका उत्तर हो जाता है धौलावीरा। धौलावीरा मैं आपको बता चुका हूँ, आपका धौलावीरा जो है विश्व धरोहर स्थल शामिल किया गया है, इसको तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये इस तरह से ये है लोअर मिडिल, और ये है इस तरह से एक दो और तीन भागों में इसको बांट दिया गया है। धौलावीरा, धौलावीरा को मैंने बताया है, धौलावीरा बिलोंगिंग टू द इंडस वैली है जो वीन डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, यानी कि धौलावीरा को विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको किया गया है। अब आपको 5 रुपये का प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि धौलावीरा को किस सन में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है यूनेस्को की किस सन में, ये आपको उत्तर देना है, ठीक है। चलिए साथियों आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ से हुई है, इसमें बिना किसी सोच समझ के हम कालीबंगा लगाते हैं सीधा, कालीबंगा ये है, कालीबंगन या फिर कालीबंगा जो है आपका कहाँ पर पड़ता है, हरे राजस्थान वाले क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा या कहें प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है, तो आपका इसमें उत्तर होगा ए कालीबंगा या फिर कालीबंगन, ठीक है। क्या होगा इसका, होगा बी कालीबंगा, और इसका होगा क्या ए यानी कि कालीबंगन। प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिलते हैं भैया, तो आपके बनावली से, कालीबंगा से, रोजडी से, या फिर रंगपुर से। तो यहाँ पर देखो प्राक सिंधु सभ्यता से कहाँ से मिलते हैं, तो कालीबंगा से मिलते हैं। अब बात आ जाती है रोजडी से या फिर रंगपुर से, और दूसरा जो आ जाता है इसमें, तो आप दो देखिए किस किस में है, दो देखेंगे ना, तो इसमें दो है ना, इसमें दो है और ना ही इसमें दो है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका सीधा सीधा बी, एक और दो, यानी कि बनावली और कालीबंगा। बनावली कहाँ पर है आपका, ये आपको मिलेगा बनावली, बनावली हरियाणा वाले क्षेत्र में, और कालीबंगन जो है आपका राजस्थान वाले क्षेत्र में। तो बनावली और कालीबंगन से आपका क्या मिलता है,
प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के प्रमुख रूप से अवशेष देखने को मिलते हैं। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो आपके राजस्थान में कालीबंगन जो है स्थित है, ठीक है। राजस्थान में कहाँ पर है स्थित है? कालीबंगन स्थित है, ठीक है। ये राजस्थान वाला क्षेत्र पड़ता है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो आप आंखें बंद करके इसको कालीबंगा लगाएंगे। मैं इसलिए डबल डबल डालने की कोशिश की ताकि जो है आपका रिवीजन भी होने के चांस रहे, आप यहीं पर ही हीरो बन जाएं और आप एकदम थका थक जो है आनंद लेना शुरू कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका उत्तर इसमें हो जाएगा कालीबंगन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है कालीबंगन के बारे में। कहाँ मर रहा है बिना पूछे यार, एक मिनट, हमारा माउस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46। 46 में क्या है, आइए थोड़ा समझते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? कौन सा शहर इनमें से एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? तो आपका धौलावीरा। धौलावीरा आपका कहाँ पड़ता है? मैंने आपको बताया था ये सौराष्ट्र वाला क्षेत्र, और ये है आपका मतलब कच्छ करड़ वाला क्षेत्र। तो आपका जो है धौलावीरा, जो है धौलावीरा किसके लिए जाना जाता है? ना तो मोहनजोदड़ो, ना लोथल, ना हड़प्पा। तो धौलावीरा एक अच्छे खासे जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। और आपको बता दूं, धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल भी किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यह है, हड़प्पीय स्थलों को हड़प्पीय स्थलों को खुदाइयों में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से मिली हैं? तो आप लोथल देखो हरियाणा है, वो क्या बोलते हैं गुजरात है। हड़प्पा आपका पाकिस्तान वाला क्षेत्र में पड़ता है, ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र। आपका जो है रोपड़, इधर जो रोपड़ है हरियाणा वाले क्षेत्र में। तो आपका अकेला बेचारा गरीब आदमी ये रह जाता है कालीबंगा। तो कालीबंगा राजस्थान वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, और राजस्थान में आपको जो है ऊँट और ऊँट की अम्मा दोनों देखने को मिल जाएंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हड़प्पाई स्थलों की खुदाइयों में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से मिली होंगी? तो कालीबंगा से मिली है। तो लोथल ये गुजरात वाला क्षेत्र, रोपड़ आपका हरियाणा वाला क्षेत्र, और हड़प्पा तो आपको पता ही है ये पंजाब प्रांत पाकिस्तान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो उत्तर भी देख ही लेते हैं, इसका उत्तर जो है आपका ए हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पुरातत्व तो स्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए थे? फिर से क्वेश्चन बोल देता हूँ मैं, वह कौन सा क्षेत्र है हड़प्पा संस्कृति का, वहाँ से पुरातत्व स्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग थे? यानी कि दुर्ग और नीचे का नगर जो है अलग अलग थे, तो वो थे आपके कालीबंगा से, ठीक है, कालीबंगा से। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? तो आपके भैया इसमें सीधा सा मतलब है कालीबंगा से, न कोट दीजी से, न रोपड़ से, न कोट दीजी एवं रोपड़ दोनों से, किसी से भी नहीं मिलते हैं, बल्कि किससे मिलते हैं? कालीबंगा से। क्या मिलते हैं? हमारे प्रारंभिक हड़प्पाई संस्कृति, वो प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकड़ के, दुर्गीकड़ होता है ना जो मतलब महल बनाना, मतलब दुर्ग बनाना, किला बनाना, तो उसके जो है साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? कालीबंगन से। और कालीबंगन कहाँ है आपका? राजस्थान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। फिर से मैं बता दूं, वह कौन सी जगह है जहां से अग्निकुंड मिलते हैं, अग्निकुंड मिले हैं, और साथ ही धार्मिक स्नान की व्यवस्था का भी पता चलता है, ठीक है। तो वो आपका ना तो मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो से क्या मिलता है आपका? एक विशाल स्नानागार मिलता है, लेकिन आपका जो है इसमें धार्मिक स्नान की व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। यहाँ पर दोनों की बात हो रही है, अग्निकुंड और अग्निकुंड की श्रृंखला। तो अग्निकुंड की श्रृंखला जो मिली है वो कालीबंगा से मिली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई थी और अग्निवेदी से ये सिद्ध होता है? अग्निवेदी जो होता है ना, जिसमें अग्नि जलाई जाती है, मतलब हवन, एक तरह से हवन कुंड जो होता है ना, तो उसको अग्निवेदी हम कह सकते हैं, तो उसको, तो वो आपका इसमें भी आंसर हो जाएगा क्या? आपका सी, कालीबंगा।
हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है? तो आपको अंदाजा लगा ही लग ही जाएगा, ये कालीबंगा तो आपका राजस्थान में पड़ता ही है, तो इसको कालीबंगा को जो है कालीबंगा को बंद कर दीजिए। बनावली की बात करें, राखीगढ़ी की बात करें और रोपड़ की बात करें, तो आपका इनमें से कौन कौन से होंगे? अब आप अंदाज लगाइए बनावली कहाँ है, रोपड़ कहाँ है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा, देखो राखीगढ़ी तो आपका पढ़ ही रहा है, राखीगढ़ी कहाँ है, तो तीन देखिए किस किस में, इसमें तीन है, इसमें तीन है और इसमें तीन है। अब एक चीज़ देखो, एक किस पे है, दो किस में, इसमें दो है तो ये कट जाएगा, इसमें दो है तो ये कट जाएगा। अब एक और सी और डी और रह गया, सी और डी रह गया है। तो अब बात आती है राखीगढ़ी, ठीक है राखीगढ़ी, तो रोपड़ इसमें होना चाहिए, रोपड़ कहाँ है, रोपड़ 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 ये है रोपड़, ठीक है और रोपड़ ठीक। तो आपका उत्तर होगा इसमें, आपका उत्तर होगा सी, यानी कि एक और तीन, बनावली और राखीगढ़ी। तो रोपड़ कहाँ पड़ता है? रोपड़ पंजाब में है भाई, सॉरी अगर मैंने कहीं हरियाणा बोला हो, ठीक है रोपड़ जो है पंजाब में है। तो इसमें जो है बनावली और राखीगढ़ी जो है वो, तो इसका उत्तर हो जाएगा सही है सी, ठीक है रोपड़ जो है आपका बनावली और राखीगढ़ी। कालीबंगा तो आपका राजस्थान में ही, रोपड़ जो है आपका पंजाब वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, पंजाब वाले, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरातत्व स्थल कौन सा है? फिर से क्वेश्चन बोल देता हूँ मैं, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरातत्व स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी है, जो कि राखीगढ़ी आपका कहाँ पड़ता है, आपका हरियाणा में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका डी है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ है कहाँ से भैया? प्राप्त हुआ है तो दैमाबाद से। दैमाबाद कहाँ है भैया? ये है आपका दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। यहाँ से क्या मिला है? तांबे के रथ मिले हैं। फिर से क्वेश्चन बोल देता हूँ, हड़प्पा कालीन ताम्र रथ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपके जो है हड़प्पा कालीन ताम्र रथ जो है दैमाबाद से प्राप्त हुए हैं, और दैमाबाद मैंने कहाँ बताया, दैमाबाद आपका जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर होगा सी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता कौन सी है? तो भैया ये गोदावरी कोने में आ जाती है, तो आपका जो है दैमाबाद है ये, क्योंकि ये कभी कभी आपको प्रवरा और मिल जाएगी। प्रवरा जो है गोदावरी नदी की ही एक सहायक नदी है, तो आप प्रवरा भी चिपका सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो है दैमाबाद हो जाएगा। हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज कहाँ पे हुई थी? तो आपकी दैमाबाद से हुई थी, मुझे उम्मीद है अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो सुरकोटदा से जो है घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है। तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है घोड़े और बहन के उससे परिचित थे, मतलब बहन के, आप समझ गए होंगे ना आगे की, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप लगा लेना, घोड़े से परिचित थे कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सुरकोटदा से, ठीक है। चलिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा इसका क्या, दैमाबाद यानी कि डी, आपका दैमाबाद यानी कि सी। और घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिली हैं? सुरकोटदा से मिली हैं, जो कि उत्तर होना चाहिए 90% आपका, 100% मान लीजिए बी। निम्नलिखित में किस हड़प्पा स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सुरकोटदा, ठीक है। देखिए अब एक चीज ध्यान रखिए, सुरकोटदा आपका पड़ता कहाँ है भैया? सुरकोटदा जो पड़ता है आपका ये पड़ता है, ये यहाँ पर जो है कच्छ के रण वाले क्षेत्र में। तो आप कच्छ के रण वाले क्षेत्र में हम सुरकोटदा की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक, सुरकोटदा की बात। तो यहां पर आपका उत्तर जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? सुरकोटदा, कालीबंगा और धौलावीरा। तो आपका उत्तर जो है सुरकोटदा और कालीबंगा, दोनों से जो है क्या मिले हैं, हड़प्पा स्थलों से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा से और कालीबंगा से घोड़े के अवशेष मिले हैं, धौलावीरा से कुछ नहीं मिला है, मांडा से कुछ नहीं मिला है, मतलब घोड़े से जुड़ा हुआ नहीं मिला है, मांडा से नहीं मिला है, और आपका यहां पर जो है धौलावीरा से, ठीक है। तो सुरकोटदा और कालीबंगा से मिला है, तो इसमें ही अकेला बचता है। चलिए, घोड़े की हड्डियां मिली ने इन कच्छ। चलिए, तो उत्तर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? रोपड़, कोट दीजी या सुरकोटदा? तो सुरकोटदा, सुरकोटदा आपका कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये सुरकोटदा, ये कहाँ पर आपको पड़ रहा है, ये कच्छ के रण में देखने को मिलता है। उत्तर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया जाता है? बनावली, बनावली कहाँ पे है, बनावली आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये है हरियाणा में बनावली, ठीक है। तो आपका गुजरात में है, तो सुरकोटदा जो है
गुजरात में, एक अकेला लगाना है तो सुरकोटला जो है गुजरात में, कच्छ के रण वाले क्षेत्र में, तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें डी, गुजरात में पाया जाता है। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पुरा स्थल सुत कांगेडोर किस नदी के तट पर है, तो दास्क नदी के तट पर है, और सुत कांगेडोर यहाँ पर हम जूम करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर यहीं पे होना चाहिए, सुत कांगेडोर। एक मिनट में थोड़ा सा इसको, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको इधर ले जाता हूँ, इधर, ठीक है, इधर, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ तो अब दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ, ठीक हो जा बेटा सेव, हो जा बेटा सेव। हाँ, क्योंकि आपको पीडीएफ भी देनी है ना, तो पीडीएफ साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि आपको, तो क्वेश्चन मैंने क्या बोला, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पुरातत्व तो इसका सुत कांगेडोर किस नदी के तट पर है, तो देखो झेलम नदी, झेलम नदी आप ऊपर देखिए, झेलम, झेलम नदी ये ऊपर रही, इससे कोई लेना देना नहीं है, झेलम झेलम, तो झेलम नदी ये ऊपर है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पर, सुत कांगेडोर कहाँ है, यहाँ है। अब आती है सरस्वती नदी, तो सरस्वती नदी इधर आपका आ जाती है इस क्षेत्र में, ठीक है, सरस्वती नदी। अब बात आ जाता है सिंधु नदी, तो सिंधु नदी जो है इंडस वैली, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दास्क नदी यानी कि डी, ठीक है, इसका तो सी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा सुरकोटला, और इसका आंसर होगा दास्क नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जोड़ा और बहन का जो है इसमें सही नहीं है, तो ए जे ई जे एच मैके, मैके में जब ये पहुंचे तब इन्होंने एक बात की थी, सुमेर से लोगों का पलायन, सुमेर जो था मैंने बताया ना समर, सुमेरिया वाला, तो ईरान वाला क्षेत्र, तो इन्होंने ये जानकारी दी, तो बिल्कुल सही है भैया सुमेर, ठीक है। मोर्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवर्तन, ये बिल्कुल सही है। अमल नंदा घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिकल्पना के परिणाम स्वरूप हुआ है, ये भी सही है। एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, तो ये गलत है आपका, मतलब जो है आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, डी जो है आपका सही मिलान नहीं है, बल्कि एम रफीक मुगल जो अंकल थे इन्होंने क्या दिया था, एम रफीक मुगल ने अंकल ने क्या कहा था कि व्यास लैंडस्केप एंड सेटलमेंट सर्वे किया था इन्होंने, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके काम आएगा। चलिए तो चलिए, तो इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, चनू दुड़े के उत्खनन का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था, जॉन मार्शल के द्वारा, जे एच मैके के द्वारा, तो आपका उत्तर हो जाएगा जे एच मैके, ठीक है, जे एच मैके, यानी कि उत्तर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, सर जॉन मार्शल के द्वारा, मोर्टिमर व्हीलर के द्वारा, या फिर जो अर्नेस्ट मैके के द्वारा, या एम एस बस के द्वारा, तो सिंधु घाटी सब सिंधु सभ्यता का सबसे पहले प्रयोग सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए जे एच मैके हैं ये, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका उत्तर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था, सर जॉन मार्शल, सर मार्टिमर व्हीलर, सर आर एल स्टीन, या फिर एम एस बस, तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर मार्टिमर व्हीलर, सर रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर ने कहा था कि हड़प्पा संस्कृति का जो विघटन है या फिर जो उसका तवाइया है वो भगवान इंद्र के द्वारा कर दिया गया था। निम्नलिखित में से तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बी, सर मार्टिनर व्हीलर, सर रॉबर्ट एरिक मार्टिनर व्हीलर, ठीक है। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, मतलब उत्खनन करने वाले कौन थे, तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वो थे राखल दास बनर्जी, क्योंकि आपको पता होगा मैंने आपको बताया था कि जो अलेक्जेंडर कनिंगम थे 1800 कुछ 67-68 के या फिर 80-90 के आसपास की बात है, हड़प्पा जो जगह थी वहाँ पर एक शहर दबे होने की बात कही, लेकिन उनके जो है महत्व को नहीं समझा, हड़प्पा कालीन संस्कृति के महत्व को नहीं समझा, लेकिन समय बीतता चला गया और 1921 आ जाती है, 1921 आने के बाद सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में या कहें उनके निर्देशन में एक दल जाता है जिसमें आपके राखल दास बनर्जी भी होते हैं,
और भी दो चार लोग होते हैं, तो उनके द्वारा जो है मोहन जोदड़ो जाने वाले जो थे कौन थे, आपके राखल दास मनर्जी थे। अगर हड़प्पा संस्कृति की बात करें, अगर हड़प्पा नगर सबसे पहले किसके द्वारा खोला गया था, तो दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। हम बात करेंगे आगे इनके बारे में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, किसने मोहनजोदड़ो जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, तो वो थे आपके राखल दास बनर्जी। कौन थे? राखल दास बनर्जी आपके थे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस बस। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका, वो थे आपके बी ए स्मिथ जो थे आपके हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन यानी कि जब खुदाई वगैरह हो रही थी तो उससे संबंधित ये अंकल नहीं थे। आर डी बनर्जी जो थे आपके राखल दास बनर्जी, जिनको कह सकते हैं आर डी राखल दास, हाँ आर डी बनर्जी हो जाते हैं, के एन दीक्षित जो हो जाते हैं, एम एस बस जो हैं आपके क्या थे, आपके इसके इससे जुड़े हुए थे सिंधु घाटी। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सिंधु घाटी सभ्यता। खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन थे? राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। तो आप बहुत फेमस प्रश्न है ये, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में ये प्रमुख नाम जुड़े हैं। तो ये अंकल हैं राखल दास बनर्जी और यहाँ पर जो है दयाराम साहनी, ठीक है। ये है आर डी बनर्जी, ठीक एक ही बात है। तो यहाँ पर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो आपके उत्तर जो हो जाएगा वो था सर जॉन मार्शल जो थे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई के क्या थे? प्रमुख थे यानी कि जो है प्रभारी थे। इनके ही नेतृत्व में जो है आपके राखल दास मनर्जी, दयाराम साहनी वगैरह काम पर निकले थे। और 1921 में ही आपको मैंने बताया था हड़प्पा जो है नगर की खोज कर डाली थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा सर जॉन मार्शल, आंसर बी। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो उस इसके महत्व को समझ पाए थे तो कौन थे भैया? वो थे आपके सर जॉन मार्शल। देखो एलेक्जेंडर कनिंगम, यहाँ कहें ए कनिंगम जो थे, इन अंकल ने ये तो कही थी कि हड़प्पा नामक जो जगह है वहाँ पर एक छोटा सा मतलब एक शहर दबा हुआ है, एक संस्कृति की बात इन्होंने कह दी थी। इसलिए जो ए कनिंगम है इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहें या कहें पुरातत्व का पापा अब्बा या फिर जो फादर या कहें जो है अब्बू कहा जाता है। किसको? एम कनिंगम, ए कनिंगम यानी कि एलेक्जेंडर कनिंगम को भारतीय पुरातत्व का क्या कहा जाता है? पापा अब्बा या कहें अब्बू जान कहा जाता है। वहीं सर जॉन मार्शल को क्या कहा जाता है? हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद थे और इन्होंने इस स्थान के महत्व को समझा और 1921 में ये अपना फावड़ा लेकर पहुंच जाते हैं और इन्होंने वहां पर खास से खुदाई कर दी थी। और भी कुछ जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं, वहां पर जाके ये क्या कर देते हैं? खुदाई कर देते हैं। चलिए तो वहां पर ठीक है, वैसे और भी कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं लेकिन हम खुदाई अभी करेंगे, जेसीबी की खुदाई, ठीक। ए बी, वो आंसर जो है बी। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सबसे पहले ध्यान किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स मेसन ने, अलेक्जेंडर कनिंगम ने, सर जॉन मार्शल ने या फिर सर मार्टिमर व्हीलर ने। तो आपका मतलब फिर से बता दूं, हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सबसे पहले ध्यान किसके किसके द्वारा आकर्षित किया था? तो चार्ल्स मेसन ने, चार्ल्स मेसन अंकल जो थे, ये चार्ल्स मेसन अंकल जो थे अपनी जो है ऐसे करके दूरबीन लेके वहाँ पहुँचे। उन्होंने कह दी थी कि भैया यहाँ पे जो है एक टीला वगैरह है, इसको जब सही से खोदो तो खुदाई वगैरह करो तो जो है यहाँ पे जो है कुछ बच्चा बच्चा निकल आएगा। लेकिन इन्होंने बता तो दिया, फिर अलेक्जेंडर कनिंगम पहुँचे। अलेक्जेंडर कनिंगम ने ये थोड़ा सा देखा, यार यहाँ पर लग रहा है कुछ है, लेकिन बाद में जो सर जॉन मार्शल थे इन्होंने जो है इस जगह के महत्व को समझा और इन्होंने उस जगह खुदाई कर दी और बच्चा पैदा कर दिया था, ठीक है। चलिए तो इसीलिए इन्होंने दो बच्चे किए थे हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है। तो आपके कौन थे? चार्ल्स मेसन ने यहाँ पर क्या किया था, इस विशाल टीले को सबसे पहले ध्यान आकर्षित किया था। अलेक्जेंडर कनिंगम ने वहाँ पर जाके बात कही थी कि यहाँ पर जो है एक बड़ा शहर होने का दावा किया था, लेकिन बात दावा तो कर दिया था लेकिन खोद इन्होंने दिया था सर जॉन मार्शल ने, ठीक है। चलिए मतलब वही कहावत तो है ना कि गर्लफ्रेंड तो सबकी रही लेकिन शादी किसने की, ये मायने रखता है। तो हमारे जो सर जॉन मार्शल थे इन्होंने शादी कर ली, ठीक है। चलिए
उम्मीद है चार्ल्स मैसन, ये अंकल हैं चार्ल्स मैसन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सूची ए और सूची दो को क्या करना है, हमें मिलान करना है। प्राचीन स्थल और पुरातत्वीय खोज के बारे में बात करती हैं। लोथल में आपका क्या मिला है, लोथल की अगर बात करें तो आपको हम बता चुके पीछे, बहुत अच्छे से मैं आपको बता चुका था, अब आप यहाँ पर समझने का समय आ गया है। लोथल ये है आपका, लोथल, ओथल पोथल लोथल, तो लोथल मतलब ए, ए पे जाएगा क्या, ए पे जो जुता हुआ खेत तो नहीं मिला था, गोदीवाड़ा मिला था, गोदीवाड़ा, तो आपका ए जाएगा दो पे। दूसरा था कालीबंगा, कालीबंगा से क्या मिला है आपको, आपको क्या लगता है कालीबंगा से क्या मिला होगा, तो कालीबंगा से जो मिला है वो मिला है, कालीबंगा से क्या मिला था यार, कालीबंगा से क्या मिला था, कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले थे, तो बी पे जो लगेगा, बी बराबर एक, बी बराबर एक। अब धौलावीरा ले लो, धौलावीरा से क्या मिला था आपको, क्या लगता है, दिमाग अगर लगाए थोड़ा सा, वैसे इस्तेमाल कर लेना चाहिए मुझे लगता है, तो धौलावीरा से क्या मिला था, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था धौलावीरा से, बिल्कुल सही बात है। तो सी जो जाएगा वो जाएगा चार पे, सी बराबर चार। तो हम इतने से ही हम वैसे आंसर ढूंढ लेंगे, 3 वो 2 1 4, तो देखो 2 1 4 किस में है, 2 1 3 है, देखो सी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसको भी लगा ही डालो चौथे वाले को, बनावली से क्या मिला है, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, ठीक है, बनावली से क्या मिला है, यहाँ पर बनावली है, बनावली से क्या मिला है, पक्की मतलब पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, यानी कि एक वो मिली है मूर्ति, मूर्ति की कह दो या फिर उसकी जो है एक खिलौना बोल सकते हो, तो आपका हो जाएगा 2 1 4 5, ठीक है। चलिए तो आपका आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 173 क्वेश्चन नंबर, 173। इसमें सूची जो है एक सूची के साथ दूसरी सूची की जो है कुची कुची करनी है, आइए कुची कुची करते हैं। सूची एक को सूची दो के साथ कुची कुची करना है, तो आइए फिर देखते हैं कुची कुची करते हैं, ठीक है। कुची कुची आप जानते होंगे गंदी बात होती है, मम्मी मना करती थी कुची कुची नहीं करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, लग रहा अब तो हम बड़े हो गए हैं तो हम अपनी गंदी बातें कर सकते हैं, क्योंकि बड़े होकर तो अपना खुद का आनंद ले सकते हैं। चलिए आप यहाँ पर थोड़ा सा मिलान कर लीजिए, मोहन जोदाड़ो कहाँ पे जुड़ा है, मोहन जोदाड़ो जो है आपको कहाँ लगता है, ये मोहन जोदाड़ो सिंध प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, मोहन जोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में देखने को मिलता है। तो आप ऐसे अंदाज लगाइए, हम यहाँ पर कहेंगे मोहन जोदाड़ो ए, ए बराबर एक, देखो ए बराबर एक किस में है, ये दो तो हटा ही दो और ये दो हटा दो, अब ये और इस पे देखना है हमें, ठीक है। चलिए दो में से देखना, ए और सी से, ए बराबर वन, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। अब आता है दूसरा, दूसरा है बी, रोपड़ जो है किस नदी के किनारे है, तो रोपड़ पड़ेगा, ये आपका अंदाज लग रहा होगा, जूम करके मैं दिखा दूं, जूम करके, रोपड़ नदी, रोपड़ जो है ना सतलज नदी के किनारे दिखना है ना, रोपड़ यानी कि पंजाब में पड़ता है, रूपनगर या फिर रोपड़, तो यहां पर जो है रोपड़, तो आप अंदाज लगाइए बी बराबर 3। अब आप अंदाज लगा सके होंगे कि आंसर क्या निकलेगा, तो आप देखिए बी बराबर 3 किस में, इसमें तो नहीं आ रहा बी बराबर, ये काट दीजिए, जूता मार के इसको बंद कर दिया हमने, आपका ये हो जाएगा, तो फिर भी आंसर देख लेते हैं बी बराबर 3। तो अब हम देखेंगे कालीबंगा, कालीबंगा देखें तो हमारा कालीबंगा जो है ये है कालीबंगा, कहां पर पड़ता है आपका कालीबंगा, राजस्थान में, राजस्थान में कालीबंगा है, तो किस नदी किनारे, सतलज, तो सी बराबर 2। हड़प्पा तो आप समझ ही गए होगे, रावी नदी के तट पर, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें फिर से कूची कूची करने को आ गया है, नीचे देखते हैं कूची और इधर है गुची, तो आइए देखते हैं नदी और उनकी बस्तियां। सबसे पहले हम देखते हैं कूची कूची अगर हम करें तो आपका हड़प्पा उठा लीजिए, हड़प्पा जो है ये है आपका हड़प्पा, पंजाब प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, तो हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर होना चाहिए, हड़प्पा आपको लगता है भोगवा नदी, भोगवा नदी कहाँ पर है आपका, पंजाब में है, गुजरात में है, तो इसका कोई लेने देना है नहीं। घग्गर नदी आपको पता ही है, काली बंगा जो है घग्गर नदी के तट पर है, ठीक है। लोथल आपको क्या लगता है, लोथल आपका इधर पड़ता है, तो ये रावी नदी का कोई मतलब ही नहीं है, तो हड़प्पा का आएगा ए बराबर 3, यानी कि रावी नदी, ठीक है।
अब उठाते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा आप घग्गर पता ही चल गया होगा, ऊपर भी मैंने आपको बताया था कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर, ठीक है। कालीबंगा घग्गर नदी यानी कि बी बराबर 2। अब आता है 3, लोथल किस नदी के तट पर है। लोथल जो है भोगवा नदी के, मैंने यहाँ पर बताया था लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो गोदीबाड़ा है वो किस नदी से सबसे अच्छे से जो है कनेक्टेड होता था, जो भोगवा नदी था उससे कनेक्टेड होता था, ठीक है। तो आपका जो है मतलब ये हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। यानी कि हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर, और रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर, यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कूची कूची फिर से इसमें करना है। हड़प्पीय स्थल और उसकी स्थिति, मांडा राजस्थान, दैमाबाद हरियाणा, कालीबंगा जम्मू कश्मीर, राखीगढ़ी महाराष्ट्र। आइए देखते हैं, सबसे पहले गरीबों वाला उठाते हैं, दैमाबाद उठा लेते हैं जो हमें सबसे गरीब लगा। दैमाबाद उठाया हमने और दैमाबाद से सीधे बात की, हम इधर कोने में आ जाएंगे। दैमाबाद, दैमाबाद जो पड़ता है आपका ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है ना, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो है आपका दैमाबाद पड़ेगा, प्रवरा नदी और गोदावरी नदी के आसपास। तो आपका देखो बी बराबर लगा देते हैं हम लोग 4, बी बराबर 4। अब गौर से देखो बी बराबर 4 कहाँ है, बी बराबर 4, बी बराबर 4, देखो ये भी गलत, बी बराबर 4 नहीं आ रहा है ना, ए और बी, बी बराबर 4, देखो सी आ रहा है अपने आप, जब से सरल और गरीब बाल उठा लिया तो बाकी का अपने आप सही हो रहा है ना, बी बराबर 4। तो आप देखो मांडा नदी, मांडा कहाँ पर है, मांडा जो है, मांडा में इसमें मैप में दिखाऊं, मांडा 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 मांडा, देखो मांडा किस पे जा रहा, 3 पे, मतलब जम्मू कश्मीर में मांडा। तो यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो मांडा हो जाएगा, ठीक है, मांडा जम्मू कश्मीर में, ठीक। तो ये आया, ठीक है, मांडा जो है जम्मू कश्मीर में, ये ए पे आ गया जम्मू कश्मीर, ठीक। उसके बाद दैमाबाद तो आपको पता ही है महाराष्ट्र में जाएगा, कालीबंगा आपको पता ही है राजस्थान में जाएगा, तो ये राजस्थान वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ये जो है सी जाएगा एक पर, ये आ गया सी। राखीगढ़ी आपको पता ही है हरियाणा में पड़ता है, तो आपका उत्तर जो है क्लियर हो गया, आपका उत्तर क्या आ जाएगा अपने आप मैंने बताया सी। चलिए साथियों नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 176, 176। सूची एक के एक का सूची दो के साथ कूची कूची करवाइए, या फिर सूची दो का सूची एक के साथ कूची कूची करवाइए। तो इसमें कूची कूची देखो मैं बहुत देर से कूची कूची करवा रहा हूँ, अब आपको करवाना है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हड़प्पा स्थल और आधुनिक नाम, धौलावीरा सौराष्ट्र, हिसार या कादे टापू या फिर हरियाणा, राखीगढ़ी भीरवाणा भोगावो, आपको बताना है। उत्तर ए बी सी डी नहीं, आप मुझे बताना कि धौलावीरा पे क्या जाएगा, राखीगढ़ी किस पर जाएगा, भीरवाणा कहाँ जाएगा, भोगावो कहाँ जाएगा, बस इतना मैं बता सकता हूँ। भोगावो जो है आपका, मैं नहीं बता रहा इसमें ये वाला जो है, ठीक है, इसका आपका उत्तर पता चल ही गया होगा, 75 का, 175 का वो आपका उत्तर है सी, ठीक है, मैंने आपको बता दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 177। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हड़प्पा मैंने आपको बताया था दयाराम साहनी ने खोजा था सर जॉन मार्शल के अध्यक्षता, मतलब प्रभारी थे जॉन मार्शल, प्रभारी थे और दयाराम साहनी पहुंचे थे और उन्होंने क्या करवाया था, खोज करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही। लोथल किसके द्वारा खोजा गया था, एस आर राव के द्वारा, लोथल ये रहा आपका लोथल। मैं आपका हड़प्पा भी बता देता हूँ, हड़प्पा जो सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, लोथल जो है गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में है, ठीक है, सौराष्ट्र प्रदेश में है, एस आर राव के द्वारा खोदा गया था। सुरकोटदा जो है आपका कच्छ के रण में, यहाँ पर देखने को मिलेगा कच्छ के रण में सुरकोटदा मिलता है, जो कि जे पी जोशी के द्वारा खोजा गया था। आपका धौलावीरा जो है वो गलत हो रहा है, बी के थापड़ के द्वारा नहीं खोजा गया था। अब इसका आंसर आपको देना पड़ेगा कि ये किसके द्वारा खोजा गया था, तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, डी जो है सही सुमेलित नहीं है। आपका उत्तर देना पड़ेगा आपको धौलावीरा किसके द्वारा खोजा गया था, यानी कि इसका पापा कौन है। सूची एक का सूची दो के साथ कूची कूची करवाइए, सूची एक और सूची दो, ठीक है, आइए कूची कूची करवाते हैं। हड़प्पा कर्मचारियों के निवास, लोथल गोदी, कालीबंगा नर्तकी की आकृति,
मोहन जोदाड़ो जुता हुआ खेत। अब आपको उम्मीद है कि एक आध तो आप समझ ही गए होंगे। लोथल को गोदी से उठा लो, लोथल को गोदी से उठाया तो बी बराबर लगा दो दो, लोथल से आपको गोदीवाड़ा मिल जाएगा और एक नदी पड़ती है भोगाबो नदी या भोगवा नदी। तो आप अंदाज लगाइए बी बराबर टू किस में जा रहा है, बी बराबर टू किस में जा रहा है, इसमें 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 इसमें। देखो इसमें तो नहीं जा रहा है बी बराबर टू, इसमें भी नहीं जा रहा है, दो में जा रहा है इसमें और इसमें। अब कोई और ढूंढ लेते हैं, कालीबंगा ढूंढे या फिर मोहन जोदड़ो। अब मोहन जोदड़ो को ढूंढ लेते हैं, मोहन जोदड़ो से क्या मिला था भैया, जुता हुआ खेत मिला था मोहन जोदड़ो से या फिर जो कुछ और मिला था, क्या लगता है आपको? जुता हुआ खेत मिला था मोहन जोदड़ो से, मोहन जोदड़ो से आपका क्या मिला था, मतलब ए इसमें से हो सकता है या फिर इसमें से हो सकता है। तो मोहन जोदड़ो को लगा रहे हैं तो हम कहेंगे मोहन जोदड़ो से मिली है नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति। तो मोहन जोदड़ो तीन पर जा रहा है यानी कि डी बराबर तीन। तो आपका ए मतलब बी बराबर दो और डी बराबर तीन, तो आपका उत्तर हो जाएगा ये चार, ये हो जाएगा गलत। आइए अब हम थोड़ा सा समझते हैं। ए बराबर एक, हड़प्पा से क्या मिला, कर्मचारियों के निवास, सही हो रहा है। बी लोथल से मिला है गोदीवाड़ा, कालीबंगा से मिला है जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से मिला है नर्तकी की आकृति। ये आप लिख लेना, आपका उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूची एक का सूची दो के साथ कूची कूची करवाइए, अच्छा न लगे तो मत करवाइए, आप अपने घर जाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं, हड़प्पा से क्या मिला है, लोथल से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिला है और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है। आइए अभी पीछे ऐसा ही प्रश्न था एक, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो डी बराबर तीन देखिए किसी में है, डी बराबर तीन एंड पे देखिए दो में है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, बी और डी में है। तो हम आगे कोई एक और देख लेते हैं, डी बराबर तीन, ठीक है, नर्तकी की मूर्ति मूर्ति मिली है। कालीबंगा आप समझ गए ही होंगे, जुता हुआ खेत। अब सी बराबर चार देखो किसमें है, सी बराबर चार जो है इसमें भी, यार सी बराबर चार है यार, चलो अभी भी जो है इसमें भी सी बराबर चार है, चलिए कोई बात नहीं, अभी भी इन दोनों में से है। तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। अब बी बराबर दो देखिए, लोथल से क्या मिला है, लोथल से गोदी, तो बी बराबर, तो आपका उत्तर हो जाएगा ये एक दो चार तीन, हड़प्पा से सवाधान R37, लोथल से गोदी, कालीबंगा से जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर एक, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधित निम्न युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपसे पूछना तो चाहता हूँ लेकिन आपको बताना पड़ेगा सुमेलित नहीं है तो क्यों नहीं है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, आलमगीरपुर पहला, आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ नामक जिले में है। बनावली, बनावली मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है बनावली, बनावली जो है हरियाणा में, बिल्कुल सही है। दायमाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया था गोदावरी और जो है प्रवरा नदी के आसपास मिल जाएगा भोग, ठीक है, दायमाबाद। अब आ जाता है राखीगढ़ी, वैसे मेरा मन तो है कि आपको बताया जाए लेकिन अगर मुझे उम्मीद है कि आप बता पाएंगे, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, गलत है। अब आपको बताना है कि ये कहाँ पर है राखीगढ़ी, मैं कई बार बता चुका हूँ, कम से कम 200 बार तो बता ही चुका हूँगा, आंसर है इसका डी, ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेल नहीं है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मैंने आपको बताया था ये सही है, मेरठ में पड़ता है उत्तर प्रदेश नामक, लोथल गुजरात, यहाँ पर जो है लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, ये गलत है। अब आपको बताना है कि कालीबंगा कहाँ है, रोपड़ पंजाब, आपको सही है ये रोपड़ पंजाब, ये रहा सतलज नदी के तट पर। तो कालीबंगा जो है हरियाणा में नहीं है, ये कहाँ पर है कई बार बता चुका हूँ, इससे कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं वो आपको बताना है, आपका उत्तर हो जाएगा सी, कालीबंगा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असंगत संयुक्त युग्मों को चिन्हित कीजिए यानी कि जो सही नहीं है, हड़प्पा और अन्नागार, हड़प्पा से अन्नागार मिला है नहीं, हड़प्पा से अन्नागार नहीं मिला है,
मोहनजोदड़ो से मिला है अन्नाघाट, ठीक है। तो आपका ए इसमें जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, विशाल स्नानागार, ये वाला सही है। धौलावीरा और ये गढ़ी क्षेत्र, ठीक है, ये सही है। लोथल से गोदीवाड़ा सही है। अन्नागार जो है ये आपका नहीं मिला है। तो चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 183, सूची एक का सूची दो के साथ कूची कूची करवाइए। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है आपका भैया? मोहनजोदड़े से सबसे अच्छा क्या मिल सकता है भैया? तो वो क्या मिला है आप बताएंगे? तो मोहनजोदड़ो से मिला है आपका, मोहनजोदड़ो से मिला है क्या मिला है भैया? तो वो मिला है पट्टेदार जल निकास, पट्टेदार जल निकास मिला है, यानी कि हम कह सकते हैं नालियाँ। बिल्कुल सही है। अब एक एक ए टू में किस में जा रहा है? ए बराबर टू, देखो ए बराबर टू किस में जा रहा है? इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है। इसको काटिए और इसको काटिए। लोथल से देखते हैं, लोथल से क्या मिला है? लोथल से जो मिला है वो मिला है आपका क्या? युग्म समाधान। मतलब मैंने बताया था पति पत्नी के जोड़े के साथ जो है दफनाया गया है। कई बार बताया हूँ स्त्री और पुरुष, मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि इसलिए बताया स्त्री है ये, क्योंकि ये घूर रहा है मरने के बाद भी, यानी कि हरामखोर जो है इसको घूर रहा है मरने के बाद। इसका मतलब ये है कि आपका युग्म समाधान हुआ है। तो आपका ए मोहनजोदड़ो कहाँ जा रहा है? पट्टेदार जल निकास यानी कि नालियाँ बोलेंगे इसको। लोथल से मिला है युग्म समाधान। तो इसमें देखिए आपका उत्तर सीधा सा बन रहा है, ये दो आ रहा है इस पे, ठीक है, एक आ रहा है इस पे। अब नेक्स्ट बनावली पे जाएंगे। बनावली से क्या मिला है आपका? बनावली से मिला है हल्की पकी मिट्टी की प्रतिकृति। कालीबंगा से मिला है खांचे या कहीं जुता हुआ खेत। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? फिर से क्वेश्चन बोल देता हूँ, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? तो बनावली से मिला है आपका पक्की मिट्टी का बना हुआ हल, ठीक है, इस तरह का हल मिला है, पक्की मिट्टी, ठीक है। उत्तर आपका हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थल है, स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा बनावली। बनावली है कहाँ? ये देखो बनावली है, ये घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, ठीक है, बनावली। क्यों? तो आलमगीर तो आपका ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, जो कि गंगा के आसपास के क्षेत्र में मान सकते हैं, और ये मेरठ के आसपास है, ठीक है, गंगा के आसपास नहीं मानेंगे, मेरठ के आसपास। लोथल तो आपका ये पड़ता है, ये तो घग्गर से कोई लेना देना नहीं है इसका, लोथल ये रहा गुजरात में। मोहनजोदड़ो तो आपका पाकिस्तान में है ही, सिंध प्रांत में। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसका उपयोग में लाते थे भैया? इसका हाँ आंसर देख लीजिए, इसका इसका आंसर है डी, बनावली जो है आपका। बनावली है कहाँ? बनावली आपका पड़ता है हरियाणा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसको उपयोग में लाते थे, ये बिल्कुल सही है। हड़प्पा के निवासियों को तांबे व कांस्य का कोई ज्ञान नहीं था। भैया कैसी बातें कर रहे हो, महा गलत बात कर रहे हो, मारूं बे जूता क्या रे? नहीं, तो इसका मतलब ही ये गलत है। मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी, मानक हड़प्पा मुद्रा जो है मिट्टी की बनी होती थी। तो इसमें से भैया कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा केवल एक जो है सही है, ठीक है, मिट्टी की नहीं बनी होती थी, बल्कि टेराकोटा की मिलती हैं और भी अन्य की मिलती हैं, लेकिन प्रमुख रूप से टेराकोटा या के सीलखड़ी की देखने को मिलती हैं। चलिए तो आपका उत्तर हो जाता है ए, यानी कि केवल एक सही है, ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 187, हड़प्पा संस्कृति के संभव स्रोत स्थानों से प्राप्त वस्तुएं। तांबा कहाँ से मिला है? शंख कहाँ से मिला है? लाजवर्त मणि कहाँ से मिली है? स्वर्ण यानी कि कहाँ से मिला है? लाजवर्त मणि में आपको बताऊं, एक पत्थर होता है जिसको लोग उंगली में अंगूठी वगैरह बनाकर पहनते हैं, इसको याद कर लीजिए, ये आपका अफगानिस्तान से इसका जो है ये सुराई कोला है ना, सराई कोला ऐसा ही कुछ नाम है इसका। तो ये जो है अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, नहीं ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र नहीं है, अफगानिस्तान वाला तो ये अलग पड़ता है, अफगानिस्तान वाला क्या पड़ता है, ये सराई और कोला पोला नहीं है,
अफगानिस्तान वाला अलग पड़ता है, मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर। अब इसको लाजवर्त मणि देख लीजिए, लाजवर्त मणि जो है वो अफगानिस्तान से आती थी। सी बराबर तीन लगाइए, सी बराबर तीन लगाइए तो आप देखिए किस में सी बराबर तीन जा रहा है, सी बराबर तीन जो है इसमें जा रहा है, बाकी सब गलत है, ये भी और ये भी। सी बराबर जो है, अरे नहीं, सी बराबर चार देखिए, सी बराबर चार यानी कि लाजवर्त मणि जो है चार पे जा रहा है, तो सी बराबर चार किस में, इसमें है, और किसी में सी बराबर चार नहीं है, ठीक है। तो आपका उत्तर अपने आप डी निकल के आ रहा है बिना किसी देरी के, क्योंकि लाजवर्त मणि जो है आपका अफगानिस्तान से आया करती थी, ठीक है, समझ पा रहे हैं, लाजवर्त मणि। फिर भी आगे देख लेते हैं, ए बराबर दो, तांबा जो है कहाँ से मिला था, राजस्थान से, तांबा जो है राजस्थान से देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये आपको देखने को मिल जाएगा कॉपर गोल्ड टिन यहाँ पर जो है बने हुए हैं, तो ये कॉपर का सिंबल बना हुआ ना, ये राजस्थान वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ से भी कॉपर का मिल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शंख की बात करें, शंख, शंख जो है कच्छ के रण से देखने को मिलता है, शंख कच्छ के रण से, ठीक है, कच्छ के रण से शंख देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट जो आता है लाजवर्त मणि, तो मैंने बताया था चार पे जाएगा ये, सी बराबर चार, ठीक है, तांबा राजस्थान, बी थ्री शंख कक्ष के रण से, सी फोर लाजवत मणि आपका अफगानिस्तान से, तो डी वन बचा, डी वन, डी जो है स्वर्ण जो मिलता है वो दक्कन से, और दक्कन में आपका कहाँ पर जगह कौन सी बताई थी मैंने, वो आपका दैमाबाद वाला क्षेत्र था ना वहाँ से। तो आपका इसमें उत्तर क्या होगा भैया, थोड़ा उत्तर भी देख लेते हैं, आंसर जो है डी, इसको लगा दीजिए आप बिना कहे। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या फिर राजस्थान में। तो रंगपुर जो है आपका, रंगपुर जो है मैंने आपको पढ़ाया है कहीं, रंगपुर में आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखो तो पंजाब में तो नहीं है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो है नहीं, राजस्थान में है नहीं, तो भैया सौराष्ट्र में ही बचा, तो काहे इतना टाइम बर्बाद कर रहे हो, पहले ही बता देते, चलो कोई बात नहीं हम बता देते हैं आपको, आंसर हो जाएगा आपका सी सौराष्ट्र में, ये आपका देखिए रंगपुर, मैंने आपको बताया तो ऊपर वाला क्षेत्र कौन सा है, कच्छ का रण, नीचे वाला सौराष्ट्र प्रदेश। आपसे पूछा जाए गुजरात में, तो आप कहेंगे गुजरात में, अगर आपका यहाँ पर गुजरात भी साथ में होता तो भी हम सौराष्ट्र लगाते, ठीक है, चलिए गुजरात होता तो भी हम सौराष्ट्र की जगह हम गुजरात चिपका देते, अगर सौराष्ट्र ना होता तो, ठीक है। तो रंगपुर कहाँ पर है, हड़प्पा संस्कृति थी ये आपका गुजरात में, जूम करके दिखा देता हूँ, रंगपुर यह सौराष्ट्र वाला चित्र, यह कच्छ रण धौलावीरा, सुरकोटदा यहाँ पर सिंध, चलिए आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 189 देखते हैं, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य जो है हमें मिलता है, तो वो मिला है रंगपुर से, रंगपुर जो है आपका सौराष्ट्र वाले प्रदेश से है, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति से मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है था, गाय, हाथी, गेंडा, बाघ। तो गाय का नहीं मिलता है, हाथी भी मिल जाता है, गेंडा भी मिल जाता है, बाघ भी मिल जाता है, वैसे गाय के बारे में किसी भी उसमें मतलब मोहर वगैरह में देखने को नहीं मिला है, ठीक है। अब सांड का मिला है, आप ये कहो कि भैया गाय से परिचित नहीं, भैया सांड आया तो गाय से ही आया होगा, वो कहीं ना कहीं तो पैदा हुआ होगा, ये तो है ब्रह्मा जी लेकर आए थे तो गाय से ही वो निकला होगा, लेकिन फोटो वगैरह नहीं मिली है, देवी मैया की फोटो नहीं मिल पाई है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो गाय का जो है मोहरों पर और वहाँ की संस्कृति में टेराकोटा की जो कलाकृतियाँ हैं उसमें निरूपण या कहें रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, तो गाय का नहीं हुआ, हाथी मिल जाता है, बाघ मिल जाता है, गेंडा मिल जाता है। आपका उत्तर क्या होगा, इसका तो सी होगा रंगपुर, इसका क्या होगा, इसका होगा ए गाय। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आप अंदाज लगा ही सकते हैं, हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। फिर से आंसर बता देता हूँ, हड़प्पा संस्कृति से क्या मिलता है, चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हमें हड़प्पा संस्कृति से देखने को मिलते हैं, ठीक है, हड़प्पा मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता से। चलिए उत्तर हो जाएगा ये, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट या फिर धार्मिक ग्रंथ।
आपका उत्तर हो जाएगा आंखें बंद करके आप पुरातत्व एक संबंधित खुदाई पर लगाइए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल वो इतिहास काल इतिहास होता है जिसमें मनुष्य लिखना पढ़ना तो जानता था, लेकिन उसके द्वारा लिखा गया कुछ भी हम उसको पढ़ नहीं पाए, तो उसको आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल पर हम लोग किस पर आश्रित रहते हैं? पुरातत्विक संबंधी जो खुदाई होती है, जो माल निकलता है, उस पर होते हैं। तो हम शिलालेख हमें कोई ऐसा नहीं मिला जिसको पढ़ा जा सके, क्योंकि शिलालेख से क्या जानकारी मिल जाएगी यार? बर्तनों की मोहरों पर जो लिखावट है, जब हम पढ़ ही नहीं पाए तो उसमें से क्या जान लेंगे? धार्मिक ग्रंथ, जब भैया कोई ग्रंथ हम पढ़ ही नहीं पाए तो क्या जान लेंगे? समझ रहे ना? सीधा सा मतलब है पुरातत्व संबंधी खुदाई से हमें सारी जानकारी मिलती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है? उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों पर सर्वाधिक संकीर्ण निम्नलिखित निम्नांकित किनारे प्राप्त हुए हैं, सतलज, सिंधु, घग्गर, अखरा, रावी। फिर से बता दूं, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों पर सबसे ज्यादा संकीर्ण निम्नलिखित किस निम्नांकित के किनारे प्राप्त हुआ है? तो वो मिला है आपका घग्गर हकरा के किनारे, ठीक है? चलिए, आपका उत्तर हो जाएगा आपका सी। हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी। हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा होती है ना, जब कोई कोई खत्म हो जाता है तो उसको जो है हम जलाते हैं, या फिर जो है मतलब अंतिम संस्कार करते हैं, तो वो कौन सी प्रथा खासकर यहाँ पर काम करती थी? दाह संस्कार वाली, या राख को कलश में रखकर गाड़ना, या फिर मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान, या फिर जो है स्थल के निर्देश के लिए स्मारक बनाना। तो देखो, जो हड़प्पा कालीन संस्कृति थी वहाँ पर क्या करती, जो मृतिका होते थे उसमें एक पात्र के शरीर का जो है विस्तारित समाधान किया जाता था, जो उसकी खाने पीने की चीज़ें थी, उसका पालतू कुत्ता था, या फिर कुतिया थी, या बकरी आती है, फिर सांड था, जो कुछ भी था उसके साथ उसको दफनाया कर। दाह संस्कार का हमें मिलता तो है, लेकिन प्रमुख रूप से जो है अंत्येष्टि प्रथा जो है दाह संस्कार नहीं थी। राख को कलश में रखकर गाड़ना ये भी कोई खास नहीं था। मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान, ये प्रमुख अंत्येष्टि क्रिया थी, ठीक है? तो वहां पर क्या था, जैसे मान लीजिए ये अंकल है, ये निबट गए, निबटने के बाद इनका देखो कटोरी रखी है बढ़िया वाली स्पेशल वाली इनकी, ये जो है इनका जो तबला रखा है, ठीक है, ये इनका जो है पता नहीं क्या है, ये इनका शायद पिछवाड़ा ही है, ये कुछ रखा नहीं है इनका हिस्सा ही है, तो उसमें इस तरह से जो है गाड़ देते थे ये इस तरह से। देखिए इनको रजाई वगैरह भी दी गई है इस तरह से। ये देखो इनकी पत्नी बहुत प्यारी थी, तो इनको मतलब ये बॉन्डिंग बना के यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा क्या आपका? सी हो जाएगा। चलिए आंसर देख लीजिए, सी ही होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल की है? प्राक हड़प्पा में, उत्तर हड़प्पा में, चित्र दूसर पात्र परंपरा में, या क्षोभ में? तो आपका हो जाएगा प्राक हड़प्पा, यानी कि शुरुआत के जो काल था, कच्ची मिट्टी, वो कच्ची ईंटों की जो है किलेबंदी देखने को मिलती है। उसके बाद में समय में जो है ईंटों को जो पकाने लगे थे, यानी कि पक्की ईंटें करने लगे थे, यानी कि उनको जो है पकाकर हम बनाने लगे थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, कच्ची ईंटें आपका ए, प्राक हड़प्पा में, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता में लाजवंत मणि का आयात किस क्षेत्र से होता था? तो वो था आपका लाजवर्त जो हुआ करता था, वो था बदसखां। बदसखां की बात करें तो ये आपका यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, सुरतुगई, ठीक है? तो आपका जो है ना बलूचिस्तान, बलूचिस्तान तो इधर पड़ गया, बलूचिस्तान इधर दैमावादी है, दक्षिण वाले क्षेत्र में जहाँ महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। औरंगाबाद तो आपका पता ही है, औरंगाबाद भी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ही पड़ेगा, औरंगाबाद, हाँ औरंगाबाद। होशंगाबाद तो आपका मध्य प्रदेश में है, बलूचिस्तान तो आपको पता ही है पाकिस्तान में। तो आइए समझते हैं, आंसर जो है इसका हो जाएगा बदसखां। हड़प्पा सभ्यता में लाजवत मणि का आयात किस क्षेत्र से होता था? तो ये आपका सुरतुगई से हुआ करता था, यहाँ से अफगानिस्तान से। जो लाजवत मणि थी ना, जो उंगली में पहनी जाती है ये मणि वगैरह, तो इनका आयात जो है अफगानिस्तान से किया जाता था, ठीक है, जो कि बदसखां आ जाता है। बलूचिस्तान का कोई तुक नहीं बनता है, तो ये आपका जो है सुरतुगई, ठीक है। हड़प्पा आंसर भी देख ही लो भैया, नहीं तो कहोगे गलत बता दिया। ये है हड़प्पा संस्कृति में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया जाता था? तो वो था चिकोटी पद्धति। चिकोटी पद्धति क्या है, इसको अगर कोई महाई या मेरे महान पुरुष जो है अगर कोई जानकारी देना चाहे तो दे सकता है। तो ये आप देख सकते हैं सुरतुगई, ठीक है, सुरतुगई इज द यहाँ पर जो है अफगानिस्तान में है,
वॉज द ट्रेडिंग कॉलोनी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, या कहें हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द सुरत गई इज द आमू दरिया, यहाँ पर जो है आमू दरिया देखने को मिलती है। आमू दरिया नदी है, ठीक है, यहाँ पर जो है नेबरिंग बदस खां, यानी कि जो है बदस खां के पास में है बीन द आपका जो है यहाँ पर जो है फ्रेंच टीम गई थी, उसने जानकारी दी थी इसके बारे में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास कब से शुरू हुआ था? हड़प्पा या कहें मोहनजोदड़ो का ह्रास जो है कब से शुरू हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें, आपका उत्तर होना चाहिए 2000 ईसा पूर्व में, ठीक है, 2000 ईसा पूर्व में हड़प्पा संस्कृति का जो है ह्रास होना शुरू हो गया था, ठीक है। चलिए उत्तर हो जाएगा इसका, इसका तो सी है चिकोटी विधि, उत्तर है इसका बी 2000 ईसा पूर्व। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? मैं आपको बता चुका हूँ, पुरातात्विक खुदाई, ना तो शिलालेख, क्योंकि शिलालेख पे क्या होगा, भूत निकल के आएगा, वो बताएगा शिलालेख पढ़ाई तो जाता है, उस पर कुछ लिखा हो, पक्की मिट्टियों की मोहरों पर अंकित लेख, जब लिख हम पढ़ ही नहीं पाए तो काय का लेख, समझ रहे हो ना, वो तो कचरा हो गया ना, तो पुरातात्विक खुदाई से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हाँ सी है ये आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? आपको पता ही होगा पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति पर क्या डालती है, प्रकाश डालती है, ठीक है। और पुरातात्विक होता क्या है? जो सिक्के मिलते हैं, अभिलेख होते हैं, स्मारक होते हैं, भवन होते हैं, मूर्तियां होती हैं, चित्रकार होती हैं, ये पुरातात्विक स्रोत होते हैं, यानी खुदाई से जो कुछ भी मिलता है, ठीक है, तो वो मिलता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती? शिव की, मातृदेवी की, पीपल की, या विष्णु की? तो उत्तर हो जाएगा आपका विष्णु, विष्णु के बारे में जानकारी नहीं मिलती, पीपल की मिलती है, मातृदेवी की मिलती है, शिव की मिलती है। शिव की आपको मैंने बताया था योनि में जो है अंदर घुसा हुआ जो है लिंग होता है, उसको कहते हैं शिवलिंग, तो वो आपको पता होगा, तो उसकी पूजा होती है, तो शिव की पूजा के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। मैंने यो शिवलिंग होता है ना, वो कहा जाता है कि योनि जो होती है ना स्त्री की योनि, उसमें घुसा हुआ ऐसा लिंग होता है, तो उस तरह से वो शिव का जो है मतलब आगे आप कभी गौर करेंगे तो वही होता है, शिवलिंग होता है, तो शिव की पूजा होती है, मातृदेवी की पूजा होती है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद जो पीपल के बारे में भी जानकारी मिलती है। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थीं? बेलनाकार, अंडाकार, चौकोर, या फिर गोलाकार? तो आपका उत्तर हो जाएगा चौकोर मोहरें जो थी हड़प्पा कालीन संस्कृति में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो योनि होती है ना, योनि में घुसा हुआ जो लिंग होता है, ये जो शिवलिंग होता है ना ये। चलिए आपका उत्तर इसका देख लीजिए, 202 का, इसका तो जो है सी पुरातात्विक खुदाई, इसका जो है डी विष्णु भगवान के बारे में जानकारी नहीं थी, डी जो है चौकोर। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की? देखो ना, तो ब्रह्मा के बारे में जानकारी मिलती है, ना विष्णु के बारे में, इंद्र और वरुण के बारे में भी जानकारी नहीं मिलती है कोई ज़्यादा खास, लेकिन पशुपति के बारे में अच्छे से मिलता है कि वो लोग पूजा करते थे अच्छा खासा। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं सिंधु घाटी में, गंगा घाटी में, सरस्वती घाटी में, नर्मदा घाटी में। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं किस घाटी में होगा, अधिसंख्य का मतलब सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा स्थल मौजूद हैं, तो आप अंदाज लगा सकते हैं, आपको लगता है कि सरस्वती नदी घाटी में, तो सरस्वती का तो अता पता भी नहीं है, नर्मदा नदी घाटी में, नर्मदा नदी तो इधर किनारे आ गई, ये है तापी नदी और ये नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के मुहाने के आसपास एक आध कहीं कोई इक्का दुक्का मिल गया तो मिल गया। अब आपका आ जाता है गंगा नदी, तो गंगा नदी इधर किनारे आ गई, तो कहाँ लगता है गंगा नदी के होगा, तो आपका सीधा सा उत्तर हो जाएगा कि सिंधु घाटी में सबसे अधिक स्थल देखने को मिलते हैं। चलिए तो ये आपका हो गया ए। निम्नलिखित में क्या हड़प्पाइयों को ज्ञात नहीं था? कूपों का निर्माण, देखो कुएं का साक्ष्य मिलाइए, कूप मतलब कुआ, तो कुएं का साक्ष्य मिलाया तो आपका सही है। स्तंभों का निर्माण, तो स्तंभ मतलब जो पिलर होते हैं ना, उसके बारे में मिलता ही मिलता है। नालियों का निर्माण, तो भैया नालियों के बारे में जानकारी, मेहराबों का, मेहराब जो होते हैं ना, ये आगे का जो फ्रंट पेज बनते हैं, जो मुगलों के समय काल में देखने को मिलते हैं, मुगलों के में, सल्तनत काल में, तो ये मेहराब वाला जो है, तो ये जो है कहाँ पर मिलता है आपका? इनको ज्ञान नहीं था किसको? हड़प्पाई वासियों को ज्ञान नहीं था किसका? मेहराबों का। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है, उत्तर होगा आपका डी। निम्नलिखित वाक्यांशों पर विचार कीजिए तथा नीचे जो है सूची और सूची दो का कुची कुची करवाकर उनके सही उत्तर लिखिए। तो चलिए फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 206 में क्या है, आइए थोड़ा सा समझते हैं। हड़प्पीय धर्म के
एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। ठीक है, देखते हैं भैया कि थी कि नहीं थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से पक्की मिट्टी की आकृतियां बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। पक्की मिट्टी की आकृतियां बड़ी संख्या में। आपका इसमें जो है उत्तर जो होना चाहिए, देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पक्की मिट्टी की आकृतियां बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई हैं, ये तो सही है, आप अंदाजा लगाइए। तो ये तो सही है। हड़प्पी धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। तो देखो मातृ देवी की पूजा तो प्रचलित थी सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की सभी जगह नहीं थी। तो आपका ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा इसका आंसर। ए सही है लेकिन आर गलत है, वो सॉरी ए गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है, ठीक। चलिए तो मदर गॉडेज, ठीक है, ये पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो मदर गॉडेज, ठीक है, ये प्रमुख रूप से ये। चलिए कूपों का निर्माण के बारे में जानकारी मैंने बताई दी। चलिए आंसर आपका डी हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्त निम्नलिखित में किस देश से प्राप्त करते थे? मैंने बताया था बदसखां कह लो, सुरतगई कह लो, या फिर जो है आपका अफगानिस्तान कह लो, तीनों एक ही बात आ जाएगी। तो ये जो होता है लाजवर्त रत्न, ठीक है, हड़प, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, उत्तर आपका जो है डी हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यह उपमहाद्वीप के प्रारंभ नगरों की साक्षी रही है, तो आपको पता ही है ये साक्षी सही बात है रही है, क्योंकि पहली नगरीय संस्कृति जो है हड़प्पाकालीन संस्कृति मानी जाती है। ठीक है, इसमें दाई और बाई से और लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत मिलता है। दाई ओर से बाई ओर, ये है दायां और ये है बायां। ठीक है, दाई ओर से बाई ओर, तो इस तरह शुरू होती थी, इस तरह से होती थी, इस तरह से, और फिर ऐसी चली जाती, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, दाई से बाई ओर लिखी जाने वाली संकेत, तो भैया ये भी सही है। इसमें मूर्तियां बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता। तो आपको मैं बता चुका हूँ कई बार, शायद 1000 बार बता ही चुका हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता से लोहे का किसी भी तरह का कोई अवशेष नहीं मिलता है, या फिर साक्ष्य नहीं मिलता है। तो आपका सीधा सा सी गलत हो जाएगा। ठीक है, सीधा सा सी गलत हो जाएगा। ठीक है, जिसमें लोहा शब्द आ जाए, तुरंत जूता दो, तुरंत जूता दो, तुरंत मर जाए वो, तो समझ गए इसमें हमने तुरंत जूता दिया और ये मर गया और हमारा सी निकल कर आ गया, आंसर हो जाएगा सी। फिर भी हम इसमें देखते हैं, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो ये बात सही है, आपका उत्तर हो जाएगा सी गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं क्या? मानव समाधान, या फिर पशुओं के समाधान, या आवासीय भवन, या रक्षा दीवार? तो मानव समाधान जो है प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए भैया? वो सनौली से। अब भैया सनौली कहाँ है, सिनौली या फिर सनौली? सनौली जो है मैं यहाँ पर देख लूँ यार, सनौली मैंने देखा था। चलिए आपको होमवर्क देता हूँ, सनौली के बारे में बताना कि सनौली जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये इस तरह के जो है मानव के जो है साक्ष्य मिले हैं सनौली। चलिए आप बताना कि कहाँ पर देखा था, मुझे याद नहीं, मेरे दिमाग से फिसल रहा है। ठीक है, पशुओं के समाधान, तो आपके मानव समाधान देखने को मिलते हैं सनौली। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में एक कथन का दूसरे कथन के साथ कूची कूची करवाइए। चलिए कूची कूची करवाते हैं। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। भैया बिल्कुल सही बात है भैया, ये तो अच्छी बात और है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया था। अरे भैया कैसी बात कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, तो भैया कैसी बातें कर रहे हो, सब कुछ पता था, बस लोहे का ही तो पता नहीं था। चलिए तो आपका उत्तर ए और दो, तो एक और दो सही है, ये तीन जो है गलत हो, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, तीन सही बता रहा है ये, इसमें एक दो तीन सही तीनों बता रहा है, इसमें दो और तीन सही बता रहा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा एक दो सही है, तो आपका ओ ए हो जाएगा। ठीक है, उत्तर ए। हड़प्पा निम्नलिखित किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरिया से, सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, या फिर मेसोपोटामिया से संबंधित है? तो आपका हड़प्पा संस्कृति जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखती है, सीधी सी बात है। क्यों? हड़प्पा संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता एक ही बात है ना, कांस्ययुगीन सभ्यता कह दो, प्रथम नगरी सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा संबंधित। तो इस तरह से उल्लू बनाने के लिए आपको, मतलब पीछे से लेने की कोशिश कर रहे हैं आपकी खबर, लेकिन हम जो है आगे से बात करना चाहते हैं, कोई बात नहीं।
हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की नहीं हुई है भैया, जब मिल जाएगा तो हम आपको फोन करके बता देंगे, और जिसको चाहिए वो नीचे नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं कि मिला कि नहीं मिला। ठीक है, आंसर है इसका बी, इसका आंसर जो है आपका डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा पुरास्थल हिंदुकुश पर्वत के श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? देखो भाई, ये है हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला, हिंदुकुश के उत्तर में जो है वो है आपका सुरतगई, वो आपका हो गई सुरतगई, या फिर सुरतगई कह दो, सुरतगई जो कि आपका अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। ठीक है, सुतकांगेडोर कहाँ पे ये देखो, सुतकांगेडोर, मांडा कहाँ है यहाँ पर जो है मांडा, चनहुदड़ो कहाँ है, ये है मोहनजोदड़ो, इसके बगल में मिलेगा चनहुदड़ो। तो आपसे बात हुई है कि सुत हिंदुकुश के पर्वत के उत्तर में, तो ये है हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में जो है सुरतुगई जो कि आपका अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा भाई क्या, डी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते? तो भाई अब कई बार बता चुका हूँ, अब तो आत्मा जो है मेरी मना कर रही, बेटा आपकी बार लोहा बताना ही नहीं, आपकी बार लोहे वाला प्रश्न आए तो मैं घर चला जाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, चलता है यार, इतना तो हो जाता है। क्वेश्चन आंसर है ए, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? विष्णु भगवान की, ब्रह्मा जी की, पशुपति की, गणेश की। तो आपका पशुपति की करते, तो आपका उत्तर सीधा सा मतलब है सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल क्या था? हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल क्या है? 2250 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व का समय काल। ठीक है, मैं आपको बता चुका था जब कार्बन डेटिंग से पता चलता है तो 2250 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1750 ईसा पूर्व तक का समय काल माना गया है। क्लियर हो पा रहा है ना आपको, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो आपको मिलेगा 2500 से 1750 या फिर 2500 से 1500 ईसा पूर्व, ऐसे भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप मोटा मोटी मानिए 2250 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के तक का समय काल। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता का काल के बारे में फिर सुनना, तो थोड़ा सा काल के बारे में थोड़ी सी खाल उतार के देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का काल, क्योंकि काल इसलिए बता रहा हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन जो है मैं जल्दी खत्म करने वाला हूँ, फिर हम लोग जो है वैदिक संस्कृति की ओर बढ़ जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता काल की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता यानी पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता बिल्डर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता प्रमुख इतिहासकारों के अनुसार द्रविड़ जाति के लोग थे। सभ्यता का काल, पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन की बात करें तो सैंधवकालीन सभ्यता का काल निर्धारण की अगर बात की जाए तो आप बहुत सारे इतिहासकार हैं जो आपको सिर्फ उल्लू या कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ही पैदा हुए हैं। फिर से बता दूं, सैंधवकालीन सभ्यता का काल निर्धारण की बात करें तो कई इतिहासकारों के बीच जो गहरा मतभेद है, यानी कि इनकी माका राम का, ये आपस में मतभेद करते रहते हैं, वो इसलिए किताब की आप जो कन्फ्यूज होते रहें, एग्जाम में जब साफ साफ आंसर लिखा हो तो भी हम कन्फ्यूज हों, कहीं गलत ना हो जाए, तुक्का भी हमारा सही नहीं बैठे, इसलिए जो है कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए कुछ इतिहासकार आए हैं और वो जीवन भर आपको कन्फ्यूज करते रहे। कोई बात नहीं, चलता है सबका आपका कन्फ्यूज करने का, हमारा जो है चीज़ों को। इतिहासकार व्हीलर के अनुसार 2800 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व। इतिहासकार डॉक्टर बी एस स्मिथ के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व। जॉन मार्शल के अनुसार 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व। डॉक्टर आर के मुखर्जी के अनुसार आर 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। अब बात आती है सर्वमान्य काल के बारे में, यानी कि ये तो अपनी अपनी छोड़ते रह गए, कोई कह रहा है 200, कोई कह रहा है 500, कोई कह रहा है, मतलब कुछ भी छोड़ दो भैया, छोड़ दो, बात तक वायुमंडल है ना, वो सब एडजस्ट कर लेगा, मतलब छोड़ते रहो आप। ठीक है, छोड़ने के बाद ओ माय गॉड, बैड हैबिट वाली कहानी नहीं, बस में जो है आदमी इकट्ठे होते हैं और जो है कोई औरत जो है छोड़ देती है, मतलब गैस का गुब्बारा छोड़ देती है, तो वो उसके बाद क्या बोलेगी, ओ माय गॉड बैड हैबिट, कौन है बदतमीज, बात को समझ रहे हो ना, इससे क्या है कि हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, तो ये छोड़ दिए इन्होंने, ये गैस के अलावा कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं वास्तविक रूप से, छोड़ी है तो हमने वैज्ञानिक विधि से जाके हमने पता लगाया, पीछे एकदम लगाया कि गैस किसके द्वारा छोड़ी गई, तो हमने एकदम कार्बन डेटिंग वाली मशीन लगाई और पता लगाया, तो हमने देखा सर्वमान्य निकला कि भैया इन मैडम ने छोड़ी है। क्या छोड़ी है जी? अरे आप ही ने मैडम जी गैस छोड़ी है। पता कैसे लगाया? हमने कार्बन डेटिंग से चेक किया है। चलिए तो देखते हैं कार्बन डेटिंग से। रेडियो कार्बन 14 के अनुसार हड़प्पा संस्कृति का समय काल 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का माना जाता है, जो कि सर्वमान्य है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 217 देखते हैं, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी हैं? सिंधु, चिनाब, झेलम, गंगा। ठीक है, निम्न में से उत्तर का चयन कीजिए, निम्न में से उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो
आपको मैं दिखाऊं, देखो सिंधु घाटी सभ्यता तो आपको मिलती मिलती है, चिनाब आपको देखने को मिलती मिलती है, झेलम आपको देखने को मिलती मिलती है, गंगा गंगा के आसपास भी थोड़ा सा मिल जाता है आपका हो जाएगा बी, 1 2 3 उत्तर हो गया आपका बी। मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी पर स्थित है? मांडा, सिंधु पर, झेलम पर, चिनाब पर या फिर घग्गर पर? तो आपका उत्तर हो जाएगा चिनाब नदी। देखो मांडा है ये ऊपर, मांडा में जूम करके दिखा देता हूँ। अब देखो ये झेलम है, रावी है, तो ये चिनाब से निकल रहा है, तो चिनाब के ठीक उत्तर में। तो मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, तो मांडा चिनाब नदी के तट पर है, ठीक है। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति निम्न में से किस एक मृदभांड प्रकार के अंतिम रूप से पहचानी जाती है? गेरू बड़ी मृदभांड, इन्होंने देखो उल्लू बनाने के लिए आपको कोशिश की, आपकी लेने की, क्या लेने की कोशिश की, आपका परीक्षा लेने की कोशिश की, ठीक है। तो इसमें गेरू मतलब जो लाल रंग होता है ना, तो इसको हम कहेंगे लाल बड़ी या लाल रंग के मृदभांड। तो आइए इसको उत्तर देखते हैं, गेरू बड़ी मृदभांड या लाल रंग के मृदभांड कह सकते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें बी, इसमें सी चिनाब, और इसका जो है बी है गेरू बड़ी मृदभांड। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल रंग का हुआ है, यही उल्लू बना के गेरू बड़ी कर दिया ना आपका, गेरू के कलर का होता है ना, आपने गेरू देखा होगा, जिन लोगों को गेरू नहीं मिला है तो वो किस्मत वाले नहीं है, हमने तो कू गेरू देखा है, हमने मूछें भी बनाई गेरू से, ठीक है। तो लाल रंग ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, मोहरों के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं, ईंटों से यानी कि ब्रिक्स पर, मृण मूर्तियों पर, क्ले इमेजेस पर, या मृदभांड या पोस्ट सेट्स पर, या डी मनकों पर, ठीक है, वीड्स पर। तो आपके उत्तर जो है वो आपका हो जाएगा मृदभांड, मिट्टी के जो बर्तन थे उन पर हमें देखने को मिलते हैं, यानी मोहरों के अलावा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कहाँ मिलती है? पहले तो मोहरों पर मिलती है, उसके बाद किस पर दूसरा मिलता है? मृदभांडों पर मिलती है, और वो किस रंग के थे? लाल मृदभांड थे, या कहें गेरू बड़ी, उल्लू बनाने के लिए गेरू बड़ी बोलेंगे, और साफ सुथरी बातों में कहेंगे तो कहेंगे लाल मृदभांड, ठीक है। दो शब्दों में समझिए, उल्लू बनाने वाला गेरू बड़ी और साफ शब्दों में लाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदाड़ो में आवास निर्माण में कभी चूना गारा का प्रयोग नहीं हुआ था? कैसी बातें कर रहे हैं यार, हैं? बिल्कुल हुआ था, ये तो गलत बात कर रहे हो आप, चलो मारो जूता इनको, गलत कर दिया। धौलावीरा में आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं किया था? कैसी बातें कर रहे हो यार, पत्थर का प्रयोग न किया गया होता कभी तो ये बड़े बड़े अन्नागार, बड़े बड़े जो है स्नानगार, ये कहाँ से बन जाते भाई, समझ रहे ना। चलिए तो धौलावीरा ये कोने में पड़ा है, धौलावीरा बड़े बड़े, तो यहाँ पर ऐसी बातें नहीं है, ये दोनों गलत हैं, ना तो एक सही और ना ही दो। उत्तर हो जाएगा आपका डी, इसका तो हो जाएगा सी मृदभांड, और इसका हो जाएगा डी। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है? तो आपका नेवासा से हुआ है, ठीक है। उत्तर हो गया आपका बी, आपका किधर गया, हाँ उत्तर हो जाएगा बी, नेवासा से। निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के पूर्व में स्थित थे, पश्चिम में स्थित थे, उत्तर में स्थित थे या फिर दक्षिण में? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में दुर्ग जो थे पश्चिम में स्थित थे, नगर के पश्चिम में स्थित थे, आपका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित हड़प्पीय फसलों में किसका पश्चिमी एशिया में प्रसार माना जाता है? गेहूं का और कपास का, ठीक है, चावल का नहीं माना जाता है, अरे नहीं कपास का नहीं होगा, उत्तर है 26, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, कपास का सबसे पहले कहाँ होता था प्रयोग? चलिए देखते हैं, मुझे आइडिया लगाने दो। निम्नलिखित हड़प्पीय फसलों में किसका पश्चिमी एशिया से प्रसार माना जाता है, ठीक है, पश्चिमी एशिया से प्रसार माना जाता है? गेहूं, देखो गेहूं देखो किस किस में है, गेहूं इसमें किस किस में है,
इसमें गेहूं है, इसमें तो इसको तो हटा ही दो, गेहूं का तो होता ही है, एक और दो। अब देखो, चार चावल गलत है, कपास गलत है, यव, यव ये होता क्या है, उल्लू बनाने की, देखो यव को लिख दिया है इन्होंने, यव मतलब होता है जो, वारली। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर होगा ये हो जाएगा, ठीक है, न चावल न कपास, आपका गेहूं और जौ, ठीक है। ए भारतीय टेराकोटा प्रसिद्ध है भारतीय वास्तुकला की देन के लिए, जन सामान्य की भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए, अपनी आध्यात्मिक महत्ता के लिए, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, जन सामान्य की भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो आपका जो है भारतीय टेरा कोटा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर, आपका उत्तर जो है बी हो जाएगा इसका, ठीक है, उत्तर बी। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, पूर्व आर्य काल से, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से, या फिर कुषाण से। तो पूर्व आर्य काल से, यानी प्री आर्यन पीरियड से आपका मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है, आपका उत्तर हो जाएगा ये। पुरा स्थल जूनी कुराल, कुरान बोलेंगे, जूरी कुराल से निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं, किसके, बंदरगाह गोदी के, जलाशय के, अन्न भंडार गृह के, या फिर स्टेडियम के। तो आपका उत्तर हो जाएगा स्टेडियम के, यानी कि डी, स्टेडियम से, स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से, जूनी कुराल से। अब जूनी कुराल कहाँ है, ये आपका जूनी कुराल, जूनी कुराल कहाँ पर है, ये जो है कच्छ के रण में आपको मिलेगा, ये है जूनी कुरान, ठीक है, जूनी कुरान धौलावीरा के, ये है उत्तर पश्चिम में, ठीक है, उत्तर पश्चिम में। तो जूनी कुरान से किसके मिले हैं, स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, वो थे बीवी लाल के द्वारा, बीवी लाल के द्वारा ये कहा गया था कि ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, ठीक है। चलिए आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 231। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है, सरस्वती नदी, सिंधु नदी, ब्यास नदी, या फिर रावी। गौर से देखिए हड़प्पा कहाँ जा रही है, हड़प्पा देखो जा रही है ये रावी नदी के तट पर, ये इस तरह से, ठीक है, ये कोने पे है ना, ये रावी नदी के। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, हड़प्पा नदी जो है रावी नदी के, क्योंकि सिंधु तो देखो इंडस ही आ रही है, हड़प्पा से कोई लेने देना नहीं है। ब्यास, ठीक है, सरस्वती इधर नीचे आती है, ब्यास नदी की बात करो तो ये देखो ब्यास आ रही है इस तरह से, यहाँ इस तरह से, हड़प्पा से जुड़ी भी नहीं रही है, ठीक है। तो आपकी रावी हो जाएगा डी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्वज्ञ ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया था। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अमन अमलानंद, अमला, ओ सॉरी आमला नहीं, अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष ने क्या बताया था कि पुरातत्वज्ञ ने क्या बताया था कि पूर्व हड़प्पा या कहें प्राक हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच के समानताओं को सबसे पहले इन्होंने जानकारी दी थी, अमलानंद घोष ने। उत्तर आपका ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषताओं के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है, ठीक है। तो आपका उत्तर जो है 233 का क्या होना चाहिए, देखते हैं कौन सा सही नहीं है। हड़प्पा के मन के सोने तांबे शंखों लाजवर्तों हाथी दांतों तथा विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बना है, इसके बारे में देखो, सबके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सबके बारे में यहाँ जानकारी मिली है। देखो सोने के बारे में मिली, देखो सोने के बारे में मिली, तांबे के बारे में, शंखों के बारे में, लाजवर्तों के बारे में, हाथी दांत के बारे में भी मिली है, ठीक है। हाथी दांत का एक सील खड़ी वो मिला है ना, पैमाना, इसके बारे में भी जानकारी मिली है। तो ये आपका सही है, एक गलत ढूंढना है। पुरातत्वज्ञों ने मनके बनाने वाली दुकानों को अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना है, सही है भैया ये। चनूदड़ों में औजारों, भट्टियों में तैयारी के विभिन्न चरणों में उनके मनके पाए गए, सही है। बनावली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत, अपरिष्कृत दशाओं में प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है आपका डी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका डी गलत हो जाएगा, आंसर है डी। हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है
कि हड़प्पा वासी अपने खेतों में हल चलाते थे, कौन सी बात हुई? मतलब आप जो है ये तो सब दुनिया जानती है कि हल चलाते हैं तो खेती होगी होगी, हड़प्पा वासी अपने खेतों में बीज को छिटका बुवाई करते थे, भैया ये कौन सी बात रही? भैया माल मिल रहा है तो ये कोई तुक बन ही नहीं रहा, हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था, ये साफ बात है। कृषि में देखो क्या क्या होता है, खेतों में हल भी चलाया जाता है, बीज भी छिड़के जाते हैं, ठीक है। हड़प्पा काल में खाद्यान्न जैसी थोक मदों को व्यापारिक सुव्यवस्था थी, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, साफ सुथरी बात है, सीधी बात, नो बकवास। इसमें सारे तथ्य जो है जुड़े हुए हैं, ये भी है ये भी है ये भी है। अब इसको ले लो तो ये तथ्य जो है क्या हो रहे हैं, किनारे चले जाएंगे, क्लियर हो रहा है ना, तो किनारे जो है चले जाएंगे, इसलिए आपका उत्तर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल को वर्णित करता है, यह बस्ती दो अनुभागों में बटी है, एक अपेक्षाकृत छोटा किंतु उच्चतर और दूसरा काफी बड़ा किंतु निम्नतर। पुरातत्वविद ने इसे क्रमशः नगर दुर्ग और निचले नगर के रूप में अभिहित करते हैं, दोनों ही प्राचीर युक्त थे, अनेक भवन चबूतरों पर बने थे जो आधार के रूप में काम करते थे, यह निम्नलिखित में से किस स्थल को निर्दिष्ट करता है? तो हड़प्पा के बारे में जानकारी देता है ये, हड़प्पा हड़प्पा के बारे में जानकारी देता है ये, ठीक है। आंसर देख लूँ सही है कि नहीं ससरा, ये तो सी, चलो इसका सही बैठ रहा है, इसका उम्मीद है ए सही है, हड़प्पा के बारे में, ठीक है। कहाँ मर रहे हैं पे बिना पूछे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा की सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के विस्तृत क्षेत्र में फैली है, जिन भौगोलिक स्थानों में यह फैली है उनमें से कौन से स्थान शामिल हैं? कश्मीर सही बात है, पंजाब सही बात है, सिंध पाकिस्तान वाला सही बात है, उत्तर पूर्वी सीमांत प्रांत सही बात है, ठीक है। पंजाब सिंध उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और कश्मीर, पंजाब सिंध और उत्तर प्रदेश सीमांत प्रांत का एक भाग, ठीक है सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो पंजाब, अब देखो इसमें देखिए, पंजाब ठीक है, सिंध ठीक है, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का एक भाग ठीक है, काठियावाड़ ठीक है, गंगा यमुना दोआब का एक भाग ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? कालीबंगा, रोपड़ देखो पंजाब में है, धौलावीरा ये कच्छ के रण में है, कालीबंगा राजस्थान में है, बनावली हरियाणा में है, उत्तर हो जाएगा आपका डी। निम्न में किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेरा कोटा प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से, बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से, तो आपका उत्तर हो जाएगा आपका बी, बनावली से आपका हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ये हो गए आपके प्रश्न किसके, आपके हो गए सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग 200 प्रश्न हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करके आग लगा दीजिए, अगर आपने आग लगा दी तो मैं बुझाने फिर से आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, अगर आपने आग नहीं लगाई तो हम जो है अपने मस्ती से काम करेंगे, हम जो है कहीं और किसी और के घर में जो है आग बुझा देंगे, कि हमारे देखो बीबी है, बच्चे हैं, अम्मा हैं, हमारे सब चीज़ हैं, तो हमको घर में भी जो है आग फाग जलवानी है ना, समझ पा रहे ना, तो अगर आप अच्छा सपोर्ट करेंगे तो क्या करूँगा, आप आग लगा दीजिए मैं बुझाने आ जाऊँगा। तो चलिए फिर आग बुझाने की तैयारी करता हूँ, अगर आप जो है आग लगाते हैं, और आग लगाने की बात की अगर मैं बात करूँ तो आपको नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपको तैयार करके दे दूंगा, जो कि होने वाला है, मुझे उम्मीद है आगे के क्वेश्चन जो मिलेंगे, एक एमसीक्यू जोन वैदिक पीरियड कल्चर एंड लिटरेचर, वैदिक काल, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल के जो है प्रश्न मैंने तैयार कर दिए हैं, लगभग 200 से 300 प्रश्न मैं दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, साथ ही जो है प्यार थोड़ा सा दे दीजिए, बहुत मेहनत मैं करता हूँ, मैं बोल बोल के भोंक भोंक के मेरे गले में यहाँ तक जो है ब्लड आ जाता है कभी कभी, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं खाली आदमी हूँ, मैं कभी कभी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, सिर्फ इतना है, न माँ से, न बाप से, न भाई से, न बहन से, मैं किसी से कोई खास लेना देना नहीं रहता है, अकेला रहता हूँ, जीवन के आनंद ले रहा हूँ, तो आप लोगों का यूट्यूब का ही एक सहारा रहता है जिसपे थोड़ा सा मेरा दिल और मन बहल जाता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसी को फीलिंग को समझते हुए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्यार और थोड़ा सा सपोर्ट करते रहेंगे, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी देता हूँ, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।